नाथ और फातिया खानी करवाएंगे नईम शाह साहब, उसके बाद वेलकम एड्रेस है आफ्ताब नागरा साहब का, फिर है खुरम शहबाज भट्ट, और उसके बाद जिशान मर्चेंट साहब का डायरेक्ट टैक्सेस है, फिर जाहिद अतीक साहब हमारे साथ मौजूद है उनका इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और अगर उसके बाद कोई प्रपोजल्स हुई कोई सजेशंस हुई तो हम वो टेकअप करेंगे, और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स कारी विभुर रहमान जुबैरी साहब का। अच्छा अपना फरहान आपकी आवाज में एको आ रहा है, शायद आप कोई दो सेट आपके ओपन है और उसको जरा देख लें प्लीज। अगर लाइव ऑन किया हुआ है तो उसकी उसको म्यूट कर दें सर। अगर किया हुआ तो ऑफ कर दे। सलाम अलैकुम नईम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह सर साहब ठीक है। नईम शाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का, हमारे पार्टिसिपेंट्स, उनका शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले। और आज जो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने जॉइंटली प्री बजट वेबिनार का अरेंजमेंट किया है, उसमें हमारे आज के जो डायरेक्ट टैक्सेस पे स्पीकर होंगे वो ज़ीशान मर्चेंट, एक रिनाउंड एडवोकेट और प्रैक्टिशनर है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। हमारे साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जाहिद अतीक चौधरी साहब मौजूद होंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन में। तो हम अपने इस प्री बजट वेबिनार को बिला तख़ीर शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से इसको आगाज़ करना चाहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कारी ज़ुहैबुर रहमान ज़ुबैरी से, जिन्होंने इस तमाम वेबिनार को टेल मीडिया के साथ मिलकर अरेंज करने में भी हमारी मदद की। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तलावते कुरान पाक से इसका आगाज करें। मैं ज़ुहैब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि तलावत कुरान पाक के बाद नाते रसूल मकबूल के लिए हमारे दिलों को मुनव्वर करें। मुस्तफा ने
दरिया बहा उनकी महक के उनके खिलाफ। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कारी जोहेबुर्रहमान जुबैरी साहब का, टेल मीडिया का, कारी हबीबुर्रहमान जुबैरी साहब का, आशिक अली राना और हसन अली कादरी साहब, जिन्होंने इस तमाम हमें वेबिनार को अरेंज करने में सपोर्ट किया। और हम इंशाल्लाह इससे पहले भी जो लास्ट हमारा वेबिनार था वो अमेंडमेंट्स इन टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से था, उसमें भी हमने कोशिश की कि मैक्सिमम दोस्तों को फैसिलिटेट किया जा सके, एजुकेट किया जा सके जो उनके मसाइल हैं पाकिस्तान टैक्स बार के फोरम से और लाहौर टैक्स बार, कराची टैक्स बार। तो हम कोशिश की कि उसको हम पॉजिटिव मैनर में एफपीआर के साथ अपने मसाइल को टेकअप कर सके। तो अभी भी हमने ये जो प्री बजट सेमिनार का अरेंज किया उसके हवाले से भी हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बजट प्रपोजल्स को तैयार करने में उसकी तरह शबरोज मेहनत की जैसे हम आम हालात में करते थे, जबकि ये मुमकिन ना था, लेकिन हम उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हैं। और उसमें मैं इकबाल अब्दान साहब, हैदर अली पटेल साहब, आफ्ताब नागरा साहब, मोहम्मद अकरम साहब, जाहिद अतीक चौधरी, रफीक अख्तर मियाँ, सैयद एजाज जाफरी साहब, अनवर अली साहब, फैजुल हसन गिलानी साहब, मोहम्मद मंशा सुखेरा, जिशान मर्चेंट और चौधरी नईम अजीज साहब का मैं इन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बजट प्रपोजल्स 2020 और 21 अरेंज करने में हमारी मदद की। मैं अब गुजारिश करूँगा क्योंकि पिछले दिनों में ये जो भी चंद माह से इस वबा की सूरत में ये तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी ये पूरी दुनिया में स्टक हुई है, लेकिन उसी पेंडेमिक और इसी हालात के साथ हमने कोशिश किया कि हम दोस्तों को फिर भी जितना अपडेट रख सकें और उसको साथ लेके चल सकें। इसी दौरान हमें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ा कि जो PIA त्यारा हादसा हुआ उसमें बहुत शहदा के लिए हमारे जो इस वबा से आज तक जितने शहदा हुए उनकी शहादत हुई। और इस दौरान हमारे जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार हाफिज तनवीर साहब, उनकी वालदा शाहिद महनाज साहब, उनकी वालदा और रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली आशिक अली राना जो वाइस प्रेसिडेंट थे लाहौर टैक्स बार, उनके भाई की डेथ हुई। तो मैं उसके लिए दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद नईम शाह साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, के वो फातिहा करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا والشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا وأحيي إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه بالإيمان يا الله پاک جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما دے، ان پہ اپنی رحمت و برکت نازل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے جنت کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے قریبی رفقا، دوست، احباب، ان کے رشتہ دار وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اور ہمارے دوستوں میں، غربا میں جتنے بھی جو دوست احباب اگر بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے۔ اس تمام حالات میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جتنے پریکاشنری میئرز کے ساتھ ہیں وہ دوست اپنے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیں۔ اور وہی پیغام جو ہم پاکستان ٹیکس بار فورم سے ہر دفعہ دوستوں کو کنوے کر رہے ہیں کہ اپنے آس پاس دوستوں کا ضرور خیال رکھیں، جو بھی ہمارے ایسے دوست جو کہ اس سچویشن کی وجہ سے افیکٹو ہیں یا ان کی کوئی فائنینشیل یا پروفیشنل مجبوریاں ہیں، تو ان کو بھی آپ ضرور ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی جو ہم پروفیشنلی مدد کر سکیں وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ تو
अपने आस पास का जरूर ख्याल रखिएगा। इससे आगे हम चलते हैं और आशिक अली साहब, साकिब मुनीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार के, वो भी हमारे साथ अभी रिसेंटली ज्वाइन करेंगे, तो वो कनेक्शन इशू की वजह से अभी तक नहीं कर सके। बाकी उनकी जो पूरी रजीम है, नुमान साहब और हाफिज तनवीर साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सारे वेबिनार के लिए हमें सपोर्ट किया। मैं अब बिला ताखीर रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जनाब मोहम्मद आफ्ताब नागरा साहब से कि वो वेलकम एड्रेस के लिए दोस्तों से खिताब करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाए वल मुरसलीन। सबसे पहले मैं जनाब नेमशा साहब, लीडर अब्दुल कादिर मेमन साहब, जनाब राना मुनीर साहब और इकबाल अब्दान साहब, खास तौर पे जो हमारे चेयरमैन थे बजट कमेटी के, उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और ये सारा आज जितना भी आज हमारा वेबिनार है इसको प्रोग्रेसिव करने में हमारी मदद फरमाई। क्योंकि बजट प्रपोजल्स ना तैयार होती तो शायद आज का वेबिनार हमारा इतना इफेक्टिव ना हो। बहरहाल इसके लिए जितनी भी टीम थी उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे मैं आज जिशान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज इतनी मसरूफियत में उन्होंने वक्त निकाला और हमारे लिए आज ये प्रेजेंटेशन आज के इस बजट प्रपोजल। जाहिद अतीक साहब हमेशा की तरह हमारे साथ होते हैं और जब भी हमें कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमेशा चार कदम आगे बढ़ के वो हमारे साथ शामिल होते हैं। करी विब्रमन जबेरी साहब, आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, आपकी पूरी टीम का, करी जुहेब साहब का और राना आशिक साहब का, आपकी दीगर जितने भी एसोसिएट्स हैं जो हमें इस वेबिनार में हमेशा सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये जो सिलसिला जारी सारी रखेंगे हम, इस पे आप हमें भरपूर मुआवनत फरमाएंगे। फरहान ऑलवेज माय राइट हैंड, जिन्होंने दिन रात लगा के पहले भी हमारा जो वेबिनार था उसको ऑर्गेनाइज किया और आज भी वो सुबह से बल्कि कई दिनों से ही इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फरहान आप के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुरू करने से बात पहले मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त इस दुनिया से, जिनके अजीजों को अकरबा दुनिया से चले गए हैं, और ख़ास तौर पे जो प्लेन क्रैश हुआ और उसमें बहुत से लोग बसी मासूम जाने अल्लाह ताला से जा मिली, हमें उनकी फैमिलीज के साथ पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ साथ हैं, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की रज़ा है और उसमें हमें खुश रहना चाहिए जिस तरह से भी उसकी रज़ा है। जितने दोस्त अहबाब के जितने हमारे इर्द गिर्द के कोरोना से इफेक्टेड हुए, कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई, हम उनके लिए भी दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं और पाकिस्तान टैक्स बार उनके साथ भरपूर तरीके से हमदर्दी का इजहार करती है और उनके अजीज व अकरबा के लिए दुआ करती है कि अल्लाह ताला उन सब जमीन पर आए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको, कि हमारे जितने भी टैक्स फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सेफ एंड साउंड हैं। अगर वो खुद माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला उनको ठीक रखे, तो इर्द गिर्द जिस तरह भी फरहान ने कहा कि जितने दोस्त हैं, जितने इफेक्टेड लोग हैं या जितने ज़रूरतमंद हैं, उनका भरपूर ख्याल रखें। मैं फरहान आपसे दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि इस मैसेज को ज़रा टेक्स्ट भी करें, बार बार लोगों को दरख्वास्त करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे हमारे जो टैक्स फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जितने ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो बता नहीं सकते, उनकी पूरी तहकीक करने के बाद उनसे मिलें और उनसे सारे जो भी मामला हैं वो करें। पाकिस्तान टैक्स बार हमेशा की तरह सब दोस्तों के साथ है और उनके साथ हर किस्म की तआवुन करने के लिए तैयार है। मैं अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये रवायात बजट प्रपोजल वाली शुरू की हुई है और अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत और ताकत दी कि आज हम दोबारा से इस रिजीम में भी वो तमाम बजट प्रपोजल तैयार कर सके। गो के ये थोड़ा सा हम अपने वक्त से थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन
उसकी वजह कोविड है, उसकी वजह से ये लॉकडाउन है और ये मामलात हैं, और अभी ईद की वजह से भी जाहिर है कि छुट्टियां आ गई, तो उसमें भी बहुत से लोग मसरूफ हो गए, तो हमें ये थोड़ी सी कंपाइल करते हुए हमें टाइम लगा। तो उसके लिए मैं ज़ाती तौर पे माज़ूर हूँ सब दोस्तों से कि हम इसको थोड़ा सा लेट लॉन्च कर सकते, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आज जितनी अच्छी प्रपोजल अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कमेटी ने तैयार की है, हम सब ने मिल के उसमें जो फीडबैक दिया है उसको अभी निशान भाई उसमें एलेबरेट करेंगे। तो मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि निशान भाई के साथ ज़्यादा गुफ्तगू हो, अगर कोई उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में कोई बात होगी तो इंशाल्लाह वो भी हम शेयर करेंगे। एक बार फिर मैं सब अपने कायदीन का और बजट कमेटी का ख़ास तौर पर और जितने भी दोस्त हैं इसमें शामिल, मैं ज़रा उनका नाम जरूर लेना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ताकि जो मेरे दोस्त उसमें शामिल हुए उनको एहसास हो सके कि हमने जितनी मेहनत और लगन से काम किया है वो इंशाल्लाह अज़ीज हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इसमें जनाब हमारे बजट कमेटी के चेयरमैन जनाब इकबाल अफगान साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जनाब हैदर पटेल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फरहान शहजाद साहब ऑलवेज हमेशा हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हर कमेटी के साथ। जनाब राना मोहम्मद अकरम खान साहब, जनाब जाहिद अतीक साहब, जनाब रफीक अख्तर मियाँ साहब, जनाब सैयद एजाज अहमद जाफरी साहब, अनमल अली जामरी साहब, सैयद फैजुल हसन गिलानी साहब, मोहम्मद मंशा सुखेरा साहब, जिशान मर्चेंट साहब, चौधरी नईम अजीज साहब, और इसमें जो हमें खुशी मुआवनत फरमाई जनाब जाहिद अतीक साहब ने, जनाब राना मुनीर साहब ने, और हमारे पैट्रन जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब ने दिन रात इस पर काम किया और बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ इसको बड़ी जल्दी कंपाइल किया। मैं जिशान भाई आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वाकई हमारी दरख्वास्त पे और बड़े ही महदूद वक्त में इसको बड़ी जल्दी से ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो मैं एक बार फिर खुर्रम भाई आपका ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा से हमारे साथ रहते हैं और इंशाल्लाह हमारी जो ये कोऑर्डिनेशन है ये हमेशा के लिए कायम दायम रहेगी। एक मैं आज के मौके का फायदा उठाते हुए सब दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि एफटीयू के जो मैटर थे वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ी सी उसका मौके का फायदा उठाते हुए आपसे अर्ज कर दूँ कि जितने लोगों को नोटिसेज आए हुए हैं वो इसकी एडजर्नमेंट्स फाइल कर दें, और हम इंशाल्लाह एफटीयू साहब को मंडे को मिल रहे हैं, एक डेलीगेशन पाकिस्तान टैक्स पायर एसोसिएशन का एक डेलीगेशन उनको मिल रहा है, और उसमें हम सारा मौका उसको उनको एलेबरेट करेंगे और उसमें जो भी आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह हम आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि किसी हेयरिंग की शायद ज़रूरत ना रहे, लेकिन फिर भी अगर इंडिविजुअल हेयरिंग वो चाहेंगे तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह इस पर हम अपडेट मैंने आपको दे दिया, आज मेरी बल्कि ये सारी सेटलमेंट हुई है एफटीयू ऑफिस से, तो इंशाल्लाह इस पर हम परसों सॉरी मंडे को हम इंशाल्लाह एफटीयू साहब से मिल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फरहान, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया और over to you. Thank you very much. थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका बहुत शुक्रिया। हम तमाम मेंबरान से, हमारे पार्टिसिपेंट से, हमारे लिसनर से थ्रू आउट द पाकिस्तान, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोर देन 1600 जो रजिस्ट्रेशन थी वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं तमाम दोस्तों से, अपने प्रोफेशनल से, पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे फोरम तक अगर आपकी कोई प्रॉब्लम लाई गई और उसको एड्रेस नहीं किया गया तो आपका गिला ज़रूर उसमें जायज़ है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने तमाम जो मसाइल हैं वो अपने जो रेलेवेंट वाइस प्रेसिडेंट्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स जो आपके शहर में मौजूद हैं पहले उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें ताकि वो कोशिश करें उसको वहाँ आरटीओ लेवल पे सॉल्व कर लें। उसके बाद उन तमाम रिप्रेजेंटेटिव से मेरी गुजारिश है, वो आज हमें तमाम सुन रहे हैं, हमारे साथ ऑनलाइन है, कि वो उसको फिर मैटर को जो कि अगर सॉल्व ना हो सके तो वो हमारे तक लाएं ताकि फिर हम उसको आगे मेन FBR, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जहाँ जहाँ प्रोविंशियल इदारों में हमारी ज़रूरत होगी हम उसको टेकअप कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक भी इन हालात में भी हमारे तक कोई मसला आया हो और हमने उसको टेकअप ना किया हो ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ये कोशिश, ये एफर्ट हम इसी खिदमत के जज्बे से आइंदा भी जारी रखेंगे। मैं अब गुजारिश करूंगा इस तमाम इवेंट में, इस वेबिनार में
हमें जो सपोर्ट किया वो लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और मैं उनको फर्दर एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ उन्हें एक नए साल के और सेकंड ईयर के एडिशन के लिए कि वो अगले साल भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जनाब खुर्रम शहबाज भट्ट साहब, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, अनलेस द कोरोना इज देयर। नामदून सल्ले अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आफ्ताब हुसैन नागरा साहब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, मेरे बड़े भाई फरहान शहजाद साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, कारी हबीबुर रहमान जुबैरी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, मेरे सीनियर मोहम्मद नईम शाह साहब, राना मुनीर हुसैन साहब और आज के जो स्पीकर्स हैं जिशान मर्चेंट साहब और जाहिद अतीक साहब, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तमाम टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस जॉइंट प्लेटफॉर्म से इस वेबिनार को कंडक्ट किया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जुहेबुर रहमान जुबैरी साहब चेयरमैन आईटी कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन से को, जिन्होंने इस वेबिनार को मुनक्कद करने को के अमल को नतीजे तन पहुंचाया। हर साल का ये जो इवेंट है प्री बजट सेमिनार का, हमेशा लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मुनक्कद करती थी। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू COVID-19 एंड लॉकडाउन ये इवेंट अब उस तरीके से कंडक्ट किया नहीं जा सकता था। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के साथ हैंड इन हैंड इस वेबिनार को मुनक्कद करने में कामयाब हुए। मैं तमाम सामीन का जो मौजूद हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे मुश्किल बजट होगा एवर सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कभी भी इस तरह की सूरत हाल से कभी नहीं गुजरा था। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और तमाम बार एसोसिएशन क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं तो गवर्नमेंट ऑलवेज कीप इन माइंड द सजेशंस जो तमाम बार एसोसिएशंस बजट के लिए देती हैं। तो जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात गवर्नमेंट कर रही है और जहां ये सिचुएशन जो COVID-19 की दरपेश है, इस सूरत हाल में बजट का बनाना मैं समझता हूं हुकूमत के लिए यकीनन बहुत मुश्किल होगा। इसमें जो सजेशंस हैं वो आज के जो स्पीकर्स हैं वो देंगे। मैं आप तमाम सामईन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने स्पेयर किया अपना टाइम और आज के इस वेबिनार में शिरकत की। और मैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, बिकॉज जो टाइम हमने दिया था मुझसे ऑलरेडी थोड़ा सा लेट है, मैं आप सबका अगेन शुक्रिया अदा करता हूं और खसूसन शुक्रिया अदा करता हूं टेल मीडिया और उनकी टीम का जिन्होंने इस वेबिनार को मुनक्कद होने में कामयाब। Thank you very much. जी, over to you. बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, इन्होंने हमेशा तमाम दोस्तों की रहनुमाई की और आइंदा भी इसी जज्बे के तहत हम तमाम मेंबरान के लिए कोशिश करते रहेंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी जैसे कि पहले कोशिश की इसी तरह ये प्री बजट सेमिनार हमने इनकाद किया और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ये तमाम जॉइंट एफर्ट्स हमारी तमाम बार्स के साथ मिलके आगे चलती रहेगी। मैं अब बिला ताखीर गुजारिश करूंगा हमारे आज के पहले स्पीकर जनाब मोहम्मद जिशान मर्चेंट साहब, कराची से इनका ताल्लुक है, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन में भी हैं, हमेशा इन्होंने दोस्तों की रहनुमाई की। आज इनसे हमने जो बजट प्रपोजल्स डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से इन्होंने तैयार की और पाकिस्तान टैक्स बार के फोरम से फॉरवर्ड की, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब मोहम्मद जिशान मर्चेंट साहब से कि वो अपनी जो प्रपोजल्स हैं वो दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार का जिससे कब्जा है कुदरत में हम सबकी जान और माल है। लाखों दुरूद
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि जिन्होंने जो है हमारी इंसानियत को जो है एक सही राह पे लेके आए। मैं सब इसके बाद जो है प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार आफ्ताब नागरा साहब, सेक्रेटरी जनरल फरहान शहजाद साहब, कारी हबीबुर रहमान साहब, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार खुर्रम शहबाज भट्ट साहब और आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटीज का बेइंतहा मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया इस सब्जेक्ट के लिए। मैं ज़ुहैबुर रहमान साहब का भी बड़ा मशहूर हूँ कि जिन्होंने पूरा ये आई टी प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है, नईम शाह साहब और बाकी तमाम सीनियर्स एंड द वन एंड ओनली अब्दुल कादिर मेमन साहब का कि जो कि पैटर्न भी है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के भी और मेरी पेरेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन के भी। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेजेंटेशन कोशिश करूंगा कि जो वक्त मुझे दिया गया उसमें कंप्लीट करूं। शुरू करता हूं हजरत अली के कॉल से कि सबमिशन टू अल्लाह विल इज द बेस्ट कंपेनियन, विजडम इज द नोबलेस्ट हेरिटेज, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आर द बेस्ट साइंस ऑफ डिस्टिंक्शन, डीप थिंकिंग विल प्रेजेंट द क्लियरेस्ट पिक्चर ऑफ एवरी प्रॉब्लम। जैसे कि आपने अभी प्रेजेंट साहब को भी सुना कि कोविड जब आया है जब से उसके बाद से जो है न सिर्फ पाकिस्तान दुनिया बदल गई है और हर चीज जो अब एक हम न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, जिसका आपने देखा कि जूम प्लेटफॉर्म जो है एक बड़ी जबरदस्त इनोवेशन और एक ऑनलाइन मीटिंग्स जो है अब ये एक न्यू नॉर्मल रहेगा। बजट के प्रपोजल्स जो है इसी को जहन में रखते हुए हमने तश्कील दिए हैं। कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ पॉइंट्स जो है वो COVID-19 से रिलेटेड हैं, सिमिलरली ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो गवर्नमेंट का जिसपे खासा जोर है और जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्सेशन का। तो मैं डायरेक्टली अपनी प्रपोजल्स की तरफ चलूंगा जो कि COVID-19 से रिलेटेड है, जिसमें हमने सबसे पहली तजवीज जो रखी है वो ये रखी है कि जो इंडिविजुअल और AOP है उसके लिए 2 साल जो है अगले, जो ये करंट ईयर और उसके बाद अगला साल यानी टैक्स ईयर 2020 और टैक्स ईयर 2021 उसमें 113 को अबॉलिश कर दिया जाए और सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए जो मिनिमम टैक्स है उसको जो है वो 1.5% जो इस साल कर लिया है 1.5% उससे कम करके 0.5% कर दिया जाए। इसकी बेसिक जो वजह है वो ये है कि जब 1.5% हम बात करते हैं मिनिमम टैक्स तो इसका मतलब ये है कि हर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो 5.25% से अगर ज्यादा होगा तो वो नॉर्मल टैक्सेशन में आएगा और 5.25% से अगर नीचे होगा तो वो जो है मिनिमम टैक्स में ही रहेगा। तो जो हालात प्रेजेंट सिचुएशन में है हम नहीं समझते कि बहुत सारे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सारी कंपनी शो कर रही है कि 6 महीने के बाद 7वें महीने से जो है एक कैफियत कोरोना वायरस की जब से शुरू हुई तब से बिजनेसेस को इम्पैक्ट आना शुरू हुआ और 23 मार्च के बाद से अब तक बिजनेसेस या तो कम्प्लीटली बंद हो गए या अब ऐसा शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये 0.5% की जो हमारी डिमांड है वो जायज भी है और प्रैक्टिकल भी है। सिमिलरली हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो सुपर टैक्स है उसको इस साल के लिए जो है सस्पेंड कर दिया जाए और अगले साल के लिए भी सस्पेंड कर दिया जाए। ये बात ध्यान में रखें कि सिर्फ अब सुपर टैक्स जो इस साल और अगले साल है वो सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के लिए, तो अगर इसको सस्पेंड करेंगे तो इससे मेरे हिसाब से कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। सिमिलरली हमारी जो अगली तजवीज है वो ये है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनका जो टैक्स रेट है उसको रिड्यूस करके 25% पे लाया जाए ताकि हर कंपनी जो अब अपने रिजल्ट्स लेके आएगी डिक्लेयर करेगी उनको ब्रीदिंग स्पेस भी मिलेगा और इससे ये होगा कि जो कोरोना से इफेक्ट हुआ है तो टैक्स लायबिलिटी जब कम होगी तो कैश फ्लो का जो पोजीशन है उनके पास वो कैश फ्लो की पोजीशन उनके पास बेहतर होगी। तो हमारी ये तजवीज है कि इसको 20% नॉर्मल कंपनीज के लिए और 25% नॉर्मल कंपनीज के लिए और 20% स्मॉल कंपनीज के लिए कर दिया जाए। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल और AOPs हैं उनके लिए 2 सजेशन हमने रखे हैं कि या तो ये उनका स्लैब जो बेसिक थ्रेशोल्ड था
या तो वो पिछले साल वाला 12 लाख पे कर दिया जाए, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो उनको कम से कम 25% जो है वो टैक्स लायबिलिटी में जो है इस साल रिडक्शन दिया जाए, ताकि हर आदमी के पास परचेजिंग पावर जो है वो अगर रहेगी तो वो खर्च करने की पोजीशन में होगा, जब वो खर्च करने की पोजीशन में होगा तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म है, आप सब लोग जानते हैं, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक सजेशन है हमारी जो कि गवर्नमेंट को जिससे फायदा हो सकता है, अब हम रीओपनिंग ऑफ बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी सजेशन ये होगी कि वो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको सबसे पहला राइट दिया जाए कि वो अपने बिजनेसेस को रीओपन कर सके, और ये मैंडेटरी रखा जाए कि जिसको अपना बिजनेस रीओपन करना है वो FBR के साथ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ किसी ना किसी फॉर्म में रजिस्टर हो, ताकि इससे ये होगा कि अगर कोई लोग सिस्टम में मौजूद नहीं है तो वो FBR के सिस्टम में आ जाएंगे, टैक्स बेस भी इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट को पता भी चलेगा कि कितने बिजनेसेस इस वक्त चल रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से उनको चेक भी कर सकेगी, बजटिंग भी अपनी कर सकेगी। एक रिक्वेस्ट हमने ये भी इसमें रखी है कि जो डोनेशंस अप्रूव्ड डोनेशंस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने या सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने अपने रिलीफ फंड्स बनाए COVID-19 के, वो तो डायरेक्ट डिडक्शंस के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंड्स या ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि SIUT है, इंडस हॉस्पिटल है, ED है, ऐसी एक लिस्ट मुरतब कर लेनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जिनको अगर डोनेशन दिया जाए फॉर कोविड रिलेशन में तो वो जो है डायरेक्ट डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो, और अगर वो टैक्स डिडक्शन उसका रेशो ज्यादा है तो वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकें अगले 2 साल के लिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो कोविड रिलेटेड इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी भी है, नीड ऑफ द आवर भी है, हम समझते हैं कि ये अगर दी जाए तो ना सिर्फ जो गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू कि इकोनॉमी को रीस्टार्ट होना चाहिए और बिजनेस साइकिल स्टार्ट होना चाहिए, उसमें ये काफी मदद दे सकता है। और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे हर साल पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार, कराची टैक्स बार एक बड़ा जामे बना के प्रपोजल हमेशा से पेश करती रही है गवर्नमेंट को, कुछ अडॉप्ट हुए हैं, कुछ कंसिडर नहीं हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट के पास जो अपना डेटाबेस है वो उस डेटाबेस को माइन करे, उस डेटाबेस को एक्सट्रापुलेट करे और उस डेटाबेस से ही इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करे। और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक नई पोजिशन भी क्रिएट की है जिसको टीपू कहते हैं, वो नाम बड़ा अच्छा है, आई होप कि उसमें वो उस तरह से काम भी कर सकें कि वो उसमें जो है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन का को यूटिलाइज करेंगे। सबसे आसान तरीका ये है कि जो हमारे विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल होते हैं उस विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स में जो भी नॉन फाइलर्स हैं सबसे पहले उस डेटाबेस को एक जगह इकट्ठा किया जाए, CNIC से उसका टोटल टैक्स की डिडक्शन को चेक किया जाए। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि वो हमें हमारा ही डेटाबेस बना के दे दे कि ये आपकी टोटल डिडक्शंस हैं पूरे साल में, इतनी रिसीट्स या इतनी सप्लाईज हैं, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसको करना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सिमिलरली जैसे CNIC जो है अब आपका वो हर जगह पे इस्तेमाल भी होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हों या दूसरे जराए हों, टेलीफोन्स हों, तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं कि जिससे इंफॉर्मेशन को क्वार्टरली बेसिस पे मंगवा के अगर गवर्नमेंट यूज करे तो मेरे हिसाब से ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस में बहुत आसानी हो सकती है। इसके साथ साथ जो है सबसे पहले एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि इन्फोर्समेंट ऑफ रिटर्न गवर्नमेंट की तरफ से जो सबसे ज्यादा एक चीज हमें लैकिंग में नजर आती है वो ये है कि वो 114 के नोटिस तो भेज देती है लेकिन वो रिटर्न को इन्फोर्स नहीं करा पाती। पहले जब हम 1979 के ऑर्डिनेंस में थे और जब सेल्फ असेसमेंट स्कीम्स आती थी तो हम खुद परेशान होते थे कि ड्यू डेट तक सारे रिटर्न जमा करा दिए जाए वरना 56 का नोटिस आ जाएगा और हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, हम सेल्फ से आउट हो जाएंगे। तो कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट को फिर से सोचनी चाहिए कि रिटर्न्स को इन्फोर्स कराने के लिए सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट को उनको जो है
जो जुरिस्डिक्शन है उसको ठीक करना पड़ेगा। पहले एरिया वाइज जुरिस्डिक्शन होती थी, तो अपने जो जोन के अफसर के यूनिट के अफसर के पास या उसके जो बड़े बाबू के पास एक पूरा डेटाबेस बना हुआ होता था कि उसके इलाके में कितनी दुकानें हैं, कितने बिजनेसेस हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। वो 30 सितंबर को अपने रिटर्न्स से चेक कर लेता था कि कितने रिटर्न्स आ गए और अगले ही दिन नोटिस भेज दिए जाते थे। तो इस टाइप की कोई चीजें दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, ताकि एक तरफ इन्फोर्समेंट प्रॉपर हो सके, दूसरी तरफ जब जुरिस्डिक्शन को, जिसको हमने ये कहा है कि 5 साल के लिए एरिया वाइज जुरिस्डिक्शन हो जाने चाहिए पुराने लॉ के हिसाब से, ताकि एरिया की बेसिस पे जो है हर एक को पता हो कि कितने टैक्स पेयर्स हैं उसके पास और कितने लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया और कितने लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया। ये कुछ सजेशंस हैं। इसके अलावा भी 111 में हमने सजेस्ट किया कि वो सिर्फ BMR रिलेटेड हो जाए, ताकि कम से कम चीजों पे जो है एग्जेम्पशंस हो। सिमिलरली अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हमारी सजेशन यही है कि पूरा जो विदहोल्डिंग का बेस है उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। 2 dozen से ज्यादा जो है तकरीबन विदहोल्डिंग के अलग अलग सेक्शंस हैं कि जिसके रेट्स कम से कम मुझे तो याद नहीं है। अगर हमारे सीनियर्स को और हमारे साथ कोलिग्स को याद हो तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हमें चेक करना पड़ता है कि कौन फाइनलिटी में है, कौन मिनिमम में है, कौन एडजस्टेबल में है। तो ये जिम्मेदारी विदहोल्डिंग एजेंट की होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, हमारा काम एज अ विदहोल्डिंग एजेंट अगर है, तो हमारा काम है कि हमें टैक्स रेट पता होना चाहिए और हमें टैक्स काटना चाहिए। अब हम उसको कैसे डाल सकते हैं कि वो मिनिमम है, एडजस्टेबल है, फाइनल है, हमें पता ही नहीं। ये तो टैक्स पेयर को पता होना चाहिए, टैक्स पेयर की जिम्मेदारी। और सिमिलरली बीइंग विदहोल्डिंग एजेंट्स, गवर्नमेंट हम पे ही डिफॉल्ट सरचार्ज लगाती है, गवर्नमेंट हम पे ही पेनल्टी लगाती है। हमें अप्रिशिएट करना तो दरकिनार, हमें टैक्स क्रेडिट देना तो दरकिनार, कम अज कम ये पेनल्टीज और डिफॉल्ट सरचार्ज विदहोल्डिंग एजेंट्स के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही आप लोगों का 50-60% टैक्स कलेक्ट करके देते हैं। आपके लिए काम भी करें, एक डिपार्टमेंट को भी क्रिएट करें, उनको तनख्वाहें भी दें, आप उन्हें फैसिलिटेट भी नहीं करते और आप उनको टैक्सेस लगाते हैं, ये नाजायज है। हम समझते हैं कि किसी न किसी फॉर्म में टैक्स पेयर्स को, जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं, कोई टैक्स क्रेडिट होना चाहिए, ताकि वो भी इंसेंटिवाइज हो, वो भी जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं लेकिन जमा नहीं कराते। तो उसके लिए सजेशन हमारी ये है कि जिसका भी टैक्स विदहेल्ड हो और वो टैक्स जमा हो, तो जिसका टैक्स कटा है वो उसके फोल्डर में एक मैसेज चला जाए IRS में कि आपका ये टैक्स जमा हो गया है, तो वो CPR भी उसके फोल्डर में चला जाए, ताकि उसको जो है एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट के पीछे विदहोल्डिंग एजेंट्स के ऊपर नहीं जाना पड़े। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि डूएबल हैं, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए लॉ में कोई बहुत बड़ी तरमीम की जरूरत नहीं, बल्कि कोई भी तरमीम की जरूरत नहीं है। और वो सिर्फ मेंबर ऑपरेशंस जो है एक ऑर्डर से इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IT, जो कि हो रही है, क्योंकि सारे चालान जो है वो CNIC बेस्ड है। तो हमारा ये सजेशन है कि इसको फौरन से बेशतर कर देना चाहिए। सिमिलरली एक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो सजेशन है कि 153 में जो टैक्सेस कटते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स या अदर टैक्सेस होते हैं, जैसे कि FVD। ये हमारा ख्याल है कि ये टैक्स ऑन टैक्स है, इसको नहीं होना चाहिए और इसको फौरी तौर पे जो है 153 से डिलीट होना चाहिए, कि जो एक्चुअल पेमेंट है उसके ऊपर विदहोल्डिंग होनी चाहिए और सेल्स टैक्स को इंक्लूड करके विदहोल्डिंग नहीं होनी चाहिए। इससे टैक्स पेयर्स को भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा और कैश फ्लो भी अच्छा होगा। सिमिलरली जो स्मॉल कंपनी है इस वक्त, उसको भी विदहोल्डिंग हर सप्लाई पे या हर परचेज पे करनी है। हमारी सजेशन ये है इंडिविजुअल और AOP का जो थ्रेशोल्ड है 50 million का, उसको उसी थ्रेशोल्ड पे वापस उसको भी लेके आया जाए स्मॉल कंपनी को, ताकि स्मॉल कंपनी को लाने का मकसद ये था कि इंडिविजुअल या AOPs को कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ लेके जाना था। और जब ये आई थी कंपनीज, जब ये बना था स्मॉल कंपनीज, तो उस वक्त वो विदहोल्डिंग एजेंट्स नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने हर एक के ऊपर विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी डाल दी, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, AOPs हो या इंडिविजुअल्स हो। पहले ये
पुराने लॉ कॉन्सेप्ट्स नहीं थे और सिर्फ कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी उनके ऊपर विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी। तो अब हम जब एक फैसिलिटेशन के मोड में है कोविड 19 की वजह से, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। सिमिलरली ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रीज में दो बड़ी बुनियादी चेंजेस कर दी गई हैं इस साल, और वो ये चेंजेस हैं कि ग्रीन फील्ड का सेटअप कंसेशन उसी को दिया जाएगा जो कोई इंडस्ट्री लगाएगा ऐसी जमीन पे जो पहले कभी यूज नहीं हुई हो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे कोई बता दे कराची या लाहौर में कोई ऐसी जगह या कोई ऐसे, इस्लामाबाद में तो शायद कुछ हो, लेकिन कराची लाहौर जो आपके मेट्रोपोलिस हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है कि जहां पे आप अगर कोई इंडस्ट्री लगाने जाए तो वो पहले से यूटिलाइज एरिया ना हो। तो ये चीज मेरे हिसाब से इस ग्रीन फील्ड का जो एक बेनिफिट है उसको डिफीट कर रही है, इसको फॉरेस्ट से बेचकर खत्म कर देना चाहिए। सिमिलरली जो एक और कंडीशन है कि कोई ऐसा प्रोसेस या टेक्नोलॉजी लगाई जाए जो पहले पाकिस्तान में कभी इस्तेमाल नहीं हुई हो, अगेन ये मुमकिन नहीं है। जो चीजें ऑलरेडी यूज और टेस्टेड हैं उसी को सामने रखते हुए एक इंडस्ट्री लगती है, उसी को सामने रखते हुए एक फिजिबिलिटी लगती है। ये तो आप रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट तो बहुत अरसे तक होती है और उसके बाद आगे जाके होती है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीजों को इस को अमेंड करके फौरन से खत्म करना चाहिए ताकि ये फ्रूटफुल हो। डायरेक्ट टैक्सेस पे आ जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस पे जो सजेशंस हैं, वो सबसे पहला सजेशन तो ये कि हाई टैक्स रेट है पाकिस्तान। हमारे पास वैसे तो कहने के लिए 29% टैक्स रेट है, लेकिन 2% WWF, 5% WPPF, ये मिला के 36% तो टैक्स रेट ऐसे ही बन जाता है। ऑल्दो डिडक्शन है, लेकिन प्रोविंशियल लॉ में डिडक्शन, प्रोविंशियल टैक्सेस की अभी भी डिडक्शन नहीं है। तो पूरे एशिया का अगर रीजन का आप वो लेके जाए एवरेज तो 21% बनता है। तो पाकिस्तान का टैक्स रेट इस वक्त बहुत हायर साइड पे है। अगर हम प्रॉपर डिक्लेरेशंस और इवेजन्स को रोकना चाहते हैं तो ये टैक्स रेट जो पहले भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम बतदरीज 1-1% काम करके 25% पे ले जाएंगे, लेकिन पिछले साल जब बजट आया तो उन्होंने इसको 29% पे फ्रीज कर दिया। तो हमारी यही सजेशन होगी कि इसको ना सिर्फ 25% पे ब्रॉट डाउन करें इस दो सालों के लिए, बल्कि बतदरीज इसको नीचे लेके आए और इसको 22% मिलाएं, ताकि हम एशिया के जो रीजन्स हैं उसके साथ कंपेरेबल भी रहें और हम कॉम्पिटिटिव भी रहें। सिमिलरली मिनिमम टैक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज किया गया है 2016 में। इंडिविजुअल और एओपी का जो थ्रेशोल्ड है वो 50 मिलियन से कम करके 10 मिलियन कर दिया। कुछ नहीं हुआ इससे, मिनिमम टैक्स नहीं मिला गवर्नमेंट को, इवेजन्स लोगों ने इनकरेक्ट डिक्लेरेशन करना शुरू किए और इससे गवर्नमेंट को फायदे की जगह नुकसान। 1.5% का टैक्स रेट मिनिमम बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाई है। उसको जैसे हमने रिक्वेस्ट किए कि इसको 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर हो तो 0.75% या 1% होना चाहिए, इससे ज्यादा तो कतई तौर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसेस वायबल ही नहीं रहते। आप एक तरफ डिडक्शन भी उसकी हो रही होती है, दूसरी 36 उनके पास एजेंसीज के टैक्सेस होते हैं। तो ये टर्नओवर टैक्स की हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इंडिविजुअल और एओपी का थ्रेशोल्ड रिस्टोर किया जाए 50 मिलियन पे। सिमिलरली ग्रॉस लॉस कंपनी को पहले जहां पे होता था वहां पे टर्नओवर टैक्स नहीं लगता था, इसको भी चेंज कर दिया गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ग्रॉस लॉस की कंडीशन को भी रिस्टोर किया जाए और इंडिविजुअल और एओपी का जो टैक्स रेट है उसको भी जो है बतदरीज कम किया जाए, और बल्कि फर्स्ट गो में 2 साल के लिए इंडिविजुअल एओपी का खत्म किया जाए और उसके बाद मैक्सिमम इसको 1 मिलियन पे ले आया जाए, और सिमिलरली ग्रॉस लॉस की पोजीशन को भी वापस लाया जाए। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, कितने टैक्सेस गवर्नमेंट लेना चाहती है? नॉर्मल इनकम टैक्स, मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स। यानी एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि बिजनेसेस ग्रो नहीं करते, दूसरी तरफ हम उनको डिफरेंट तरीकों से उनके जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। जनाब ये नहीं चल सकता। आपकी कंपनीज जितनी भी सिस्टम में है वो ऑलरेडी यहां तक भर गई नहीं है, अब आपको उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। मिनिमम टैक्स और नॉर्मल टैक्स बिल्कुल ठीक है हमारे हिसाब से,
लेकिन ये ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स जो कि दुनिया के कुछ ही ममालिक में है, ये ब्रेन चाइल्ड जिसका भी था, मेरे हिसाब से इस चीज को खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पेडिमेंट है ग्रोथ के दरमियान और ये ट्रू डिक्लेरेशंस भी इससे नहीं हो रहे। तो हमारी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के फोरम से ये रिक्वेस्ट है कि ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स को खत्म किया जाए। सिमिलरली बहुत सारी वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज जिनको बहुत प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं, जिन पे ऑलरेडी सेक्शन 236G एप्लीकेबल है, उनके ऊपर टर्नओवर टैक्स 4.5% का होना, उनके ऊपर सप्लायर्स का रेट 4.5% होना और टर्नओवर टैक्स 1.25% या 1.5% का होना, ये जिनके मार्जिन्स होते ही नहीं है। इसमें से तीन सेक्टर्स को जो है पिछले साल उनका मिनिमम टैक्स भी कम कर दिया गया था और उनकी जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसका रेट भी डिक्रीज कर दिया गया था। तो हम ये समझते हैं कि वो सारे सेक्टर्स जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आते हैं, जिनकी लिस्ट गवर्नमेंट ने खुद ही 8 सेक्टर्स तो आइडेंटिफाई किए हुए, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए उसी तरीके से जो है मिनिमम टैक्स और उनका विदहोल्डिंग टैक्स को कंसिडर करने की जरूरत है और उनको भी 0.25% के जुमरे में लेके आना है। इसके बाद मैं क्विकली कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 21 मिनट हो गए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी क्विकली अपनी चीजों को रैप अप करें ताकि हम अगले स्पीकर की तरफ जा सके। सैलरी में हमारा प्रपोजल ये है कि पहले सैलरी जो है उसमें हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता था, हमें कन्वेंस भी मिलता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रॉस पे ले गए हम, और ग्रॉस पे ले जाने की वजह यह थी कि टैक्स रेट को नीचे लेके आया गया। लेकिन अब हुआ यह है कि हम वापस से उसी डगर पे चले गए, टैक्स रेट हमने वैसे ही बढ़ा दिए, लेकिन अब भी सैलरी को जो है वो ग्रॉस पे हम टैक्स कर रहे हैं, तो ये अनजस्टिफाइड है। कोई एक्सपेंसेस क्या सैलरी वाले के कोई खर्चे नहीं होते? जी, सैलरी वालों के भी खर्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसेस के खर्चे होते, तो सैलरी वालों को भी हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंस मिलना चाहिए या ऑल्टरनेटिवली उनका टैक्स रेट कम। सिमिलरली जो लोन जो सैलरीड एम्प्लॉय से मिलती है जिसका बेंच मार्क 10 लाख रुपए है, उसकी हमारी तरफ से प्रपोजल ये है कि उसको 10 से बढ़ा के 30 लाख कर दिया। प्रॉपर्टी का टैक्सेशन, नॉर्मल टैक्सेशन में हम चले गए हैं जी। पहले हमने उसको 5% और 10% की रिजीम में रखा हुआ था, फिर हमने उसको 10 से 15% में ले गए, फिर हमने उसको 15 से 20% में ले गए और अब हमने उसको नॉर्मल टैक्सेशन में डाल दिया। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर चले और लोग बिजनेस के एक्टिविटी में पड़े, दूसरी तरफ अगर ये टैक्सेशन को हायर साइड पे लेके जाएंगे तो इवेजन होगा ना, प्रोविंशियल टैक्सेस को दे रहे हैं हमें, पहले हमें 1/5 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मिल जाता था, 6% कलेक्शन चार्जेस मिल जाते थे और अब 40 लाख तक जो है हम नॉर्मल टैक्सेस हैं, 40 लाख से ऊपर जिसका रेंट हो, यानी जिसका ज्यादा रेंट है उसको तो फायदा शायद मिल जाएगा लेकिन कम रेंट वालों को फायदा नहीं मिलेगा। तो इसको सीरियसली रिकंसिडर करने की जरूरत है कि इंडिविजुअल्स और AOP को फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज में वापस लेके जाना चाहिए और उनका टैक्स मैक्सिमम जो है 15%। हम जब मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी उस वक्त जो है वो कैश पेमेंट्स जो है वो 10,000 और 15,000 रुपए थी, मैं बात कर रहा हूँ 98 की जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो ये उस वक्त से लेकर आज तक सैलरी और कैश पेमेंट जो है वो 10,000 और 15,000 ही है। या तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है या तो हमारा पैसा डिवैल्यू नहीं हुआ है, तो खुदारा इसको कंसिडर करने की जरूरत है। इसको फिल फॉर हमारी प्रपोजल यही है कि 50,000 और 75,000 रुपए हो जानी चाहिए। सिंगल हेड का जो एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए है उसको भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सिर्फ इन्फ्लेशन का फैक्टर जोड़ लेंगे जो कि पिछले डिवैल्यूएशन को ही अगर आप देख लें कि पिछले 6 महीने में कोई तकरीबन 40% से ज्यादा या पिछले 1 साल में 40% से ज्यादा अगर पाकिस्तान की करेंसी गिर गई है, तो ये लेजिटिमेट डिमांड भी है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को कंसिडर करके और इसको जरूर बढ़ाना चाहिए। सिमिलरली 25 लाख रुपए जी गाड़ी का डिप्रिसिएशन अलावा टैक्स डिप्रिसिएशन, हम ये समझते हैं कि ये भी बहुत पुराना है और अब तो 25 लाख रुपए की जो गाड़ी है वो मेरे ख्याल से सिटी भी शायद नहीं मिलेगी हमें, तो इस डिप्रिसिएशन को भी कंसिडर करना चाहिए। या तो फिक्स कर दें कि अप टू 1800 CC की जो गाड़ी है उसका टैक्स डिप्रिसिएशन में जो भी वैल्यू है
उसको ले लिया जाए या इस लिमिट को फिक्स करने 75 लाख में, ये हमारा प्रपोजल। और सेक्शन 60A और 60B जिसमें जैसे हमने इनिशियली कहा कि प्रोविंशियल टैक्सेस अगर हम WWF या प्रोविंशियल WBPF अगर पे करते हैं तो उसकी भी हमें डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स रिटर्न अलाउ होनी चाहिए। सेक्शन 65A का एक टैक्स क्रेडिट मिलता था पहले के जो परचेज जो सेल करता था 90% से ज्यादा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को, तो ये एक अच्छा टूल था जिससे टैक्स पेयर को भी इंसेंटिव होता था कि अगर वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को सेल करेगा तो उसको 3% टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। इस टैक्स क्रेडिट को खत्म कर दिया गया, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये इंस्टिगेट करता था कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में सेल करें, तो ना सिर्फ इसको रिवाइव करने की जरूरत है बल्कि जो 90% परचेज करे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स से उसको भी ये इंसेंटिव देना चाहिए। इससे ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव होगी बल्कि जो गवर्नमेंट का ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का जो एक पर्पज है वो भी अचीव होगा। 65B के क्रेडिट को रेट्रोस्पेक्टिवली कम कर दिया गया, हाई कोर्ट में लोग गए हुए हैं, स्टे मिला हुआ है, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, इस वक्त जब बिजनेसेस को रन करना की जरूरत है, इस वक्त जब बिजनेसेस को फैसिलिटेट करने की जरूरत है, तो हम ये समझते हैं कि 65B हो, D हो या E हो, इसकी एक तो लिमिट 2025 हो जानी चाहिए और इसके टैक्स क्रेडिट जो पिछले साल रेट्रोस्पेक्टिवली कम किए गए थे उसको इस बजट में दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजिशन में लेके आ जाना चाहिए ताकि टैक्स पेयर्स को इससे जो है मच नीडेड ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा और फर्क पड़ेगा। एक ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो एक सिचुएशन है सेक्शन 79 में कि अगर उनको कोई भी गिफ्ट अगर मिलता है या इनहेरिटेंस का शेयर मिलता है वो टैक्सेबल है। नॉन रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तान में रिटर्न नहीं फाइल करते, उनके ऊपर इस टाइप का एक बर्डन क्रिएट करना मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ अनजस्टिफाइड है बल्कि इसको सीरियसली रीथिंक करना चाहिए। और 79(1) में जो फैसिलिटीज रेजिडेंट्स को अवेलेबल है वो नॉन रेजिडेंट्स को भी अवेलेबल है। सिमिलरली जो फॉरेन इनकम का जो टैक्स क्रेडिट है, फॉरेन टैक्स का जो क्रेडिट है वो उसको 3 साल कर देना चाहिए पाकिस्तान में ताकि बाहर में जो इनकम के टैक्स ईयर्स या जो टैक्स पीरियड जिनको एंड होते हैं वो अप्रैल भी होता है, दिसंबर भी होता है, तो उसकी क्रेडिट लेना सितंबर वाले रिटर्न में बड़ा मुश्किल है। तो एक तो इसको क्रेडिट को अगर 3 साल कर दिया जाएगा तो वो जो भी टाइमिंग डिफरेंस है वो हो जाएगा अचीव। और दूसरा वो फॉरेन इनकम्स जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी में भी फॉल नहीं करती, जैसे कि वो रीजन जहां पे टैक्सेस नहीं है और वहां इनकम अराइज होती है, तो उसके करेक्ट डिक्लेरेशन के लिए हमारी तजवीज ये कि एक फिक्स फ्लैट रेट ऑफ 5% फॉरेन इनकम पे लग जाना चाहिए। अगर आप उसको नॉर्मल रेट्स पे रखेंगे तो कोई भी प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं करेगा, लोग कंसील करेंगे और एक अननेसेसरी लोगों को जो है परेशानी होगी। तो अगर एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन कर देंगे फॉरेन इनकम के लिए उन इनकम्स पे के जो जहां पे टैक्स नहीं है जिन कंट्रीज में या जहां पे डबल टैक्सेशन ट्रीटी में वो कवर्ड नहीं है, तो ये एक बड़ा अच्छा प्रपोजल होगा। और इसको अगर अडॉप्ट करेंगे तो ट्रू डिक्लेरेशन भी होगा और वो लोग जिन्होंने एमनेस्टी में अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं वो उसकी इनकम भी डिक्लेयर करनी शुरू करेंगे, तो इससे गवर्नमेंट को दोहरा फायदा। सिमिलरली 115(4) जो भी नॉन रेसिडेंट अगर फाइल करता है तो जो लॉ की लैंग्वेज है इस वक्त वो जो है कंफ्यूजिंग है और जिसकी वजह से हम सब ने जिन्होंने 2019 के टैक्स रिटर्न फाइल किए थे नॉन रेजिडेंट्स के 115(4), तो वो वेल्थ स्टेटमेंट के बगैर फाइल करना सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि 116(4) में जो है अगर जो वर्ड रेसिडेंट है उसको रिमूव कर दिया जाए तो उससे जो है ये जो एनोमली है ये खत्म हो जाएगी और नॉन रेजिडेंट्स जिनकी पाकिस्तान में कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉन रेजिडेंट्स को वैसे ही वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है, तो ये एक एनोमली जो है इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है ताकि नॉन रेजिडेंट्स जो फाइनल टैक्स में है वो अपने विदाउट फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट रिटर्न फाइल। सिमिलरली 116(a) की कोई रिविजन अंडर द लॉ इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जो फॉरन इनकम और एसेट का डिक्लेरेशन लेके आया गया है अगर उसमें कोई करेक्शन करनी हो या उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको ऑन इट्स ओन रिविजन का कोई प्रोविजन नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इसको फिल फॉर जो है इसको अवेलेबल होना चाहिए।
एडीआरसी में बड़ा जोर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टाइम इन अगेन। इसमें बहुत दफा इसको चेंज भी किया गया, इसको बहुत दफा ठीक भी किया गया, कुछ अरसे ये ठीक हो जाती है, कुछ अरसे फिर ये बिगड़ जाती है, और इस वक्त ये जो फॉर्म है ये एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह है कि जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। हमारे घर में अगर छोटे बच्चे होते तो हम उन्हें प्यार से समझाते हैं, फिर सख्ती करते हैं। तो ये एडीआरसी एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो जनाबे अली एक ऑल्टरनेटिव, जो कि वर्ड इसका खुद बताता है कि ये ऑल्टरनेटिव है, लेकिन अगर आप इसमें कहेंगे कि जी अपील को विड्रॉ करके फिर आप एडीआरसी में आए, मैं नहीं समझता कोई भी इस एडीआरसी को जो है वो यूज करेगा। तो इसमें हमने दो प्रपोजल्स रखे हैं कि एक तो ये जो कंपल्सरी विड्रॉल ऑफ अपील का जो एक प्रोविजन है उसको फिल फॉर खत्म करना चाहिए, और सिमिलरली जो एडीआरसी का जो डिसीशन बाइंडिंग नहीं होना चाहिए टैक्स पेयर पे, ऑल्दो ये एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है तो ये ऑल्टरनेटिवली ही इसको अप्लाई करना चाहिए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, और मैं ये समझता हूँ कि ये एडीआरसी को जो है बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट भी अगर कर दें तो ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये हमारी इसमें तजावीज है। और कमिश्नर अपील के पावर्स जो है या जो कमिश्नर के पावर्स हैं उसको किसी हद तक कट करना होगा। देखें इस वक्त पोजीशन ये है कि 10% की टैक्स पेमेंट आप करें तो आपको ऑटोमेटिक स्टे मिल जाता है। हाई कोर्ट लाहौर के और डिसीशंस मौजूद हैं कि ये फर्स्ट टेस्ट ऑफ अपील के बाद इसको अप्लाई होना चाहिए, हम ये समझते हैं। और इस पे जब शबर साहब आए थे तो उन्होंने एक 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 नोटिफिकेशन इशू कर दिया था कि किसी के भी बैंक अकाउंट से बगैर परमिशन के कोई भी रिकवरी नहीं होगी। हम ये समझते हैं कि इसको अब लॉ में आ जाना चाहिए ताकि टैक्स पेयर्स को जो है एक ब्रीदिंग स्पेस हो, और जब ये अप्लाई हो तो जब भी सीआईआर अपील का डिसीशन हो उसके 30 दिन के बाद इसको अप्लाई होना चाहिए ताकि टैक्स पेयर के पास एपिलेट फोरम की पे जाने की उसके पास गुंजाइश मौजूद हो और उसके बैंक अकाउंट में डाका ना पड़ जाए जैसे कि माजी में पड़ता रहा। और सिमिलरली एडवांस टैक्स के जो में अमेंडमेंट की गई थी कि जी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे आपको जो है अपना एक एस्टिमेट फाइल करना, ये बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। एडवांस टैक्स मेरी जिम्मेदारी है, टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है, टैक्स पेयर खुद कैलकुलेट करता है। आपने एक तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जी कि वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक अपना एस्टिमेट फाइल करे, फिर आपने कमिश्नर को भी कह दिया कि जी तुम इसको रिजेक्ट कर दो, ये कैसे मुमकिन है, और फिर वो रिकवरी कर लो। अब आप मुझे बताइए कि COVID-19 किसी को पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा, एक ऐसी वबा जो किसी ने फोर्सी नहीं की, आप सब सेकंड इंस्टॉलमेंट्स के टाइम पे अपने एडवांस टैक्स के एस्टिमेट्स फाइल कर चुके हैं, क्या वो आज वैलिड है? वो वैलिड नहीं है क्योंकि आप पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले अपनी इनकम को एस्टिमेट करते थे, जो कि एक बिल्कुल ठीक तरीका था। तो वही चीज होनी चाहिए कि टैक्स पेयर के पास एक ऑप्शन, जो कि एक तो वो गवर्नमेंट को फेवर करता है एडवांस टैक्स देकर, और फिर आप उसके ऊपर पेनल्टियां भी लगाएं और उसके ऊपर ऑर्डर भी पास करें, ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। और इसको फिल फॉर चेंज होना चाहिए कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले अपनी इनकम का एस्टिमेट फाइल करे और वो जो एस्टिमेट है उसकी बेसिस पे वो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करे। सिमिलरली गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बात हो गई है, ये सर्विसेज वाला जो एक इशू है 3% वाला, ये हम समझते हैं कि सारे सेक्टर के ऊपर हो जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्टॉर्शन है, इनकन्वीनियंस है टैक्स पेयर्स को, और ये सर्विसेज की डेफिनेशंस को जो है जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसको डिफाइन हो जाना चाहिए ताकि इसमें जो डिस्टॉर्शन है वो ना हो और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सेक्टर के साथ। 165 एक और इशू है, जो स्टेटमेंट हम फाइल कर रहे होते थे, सैलरी का स्टेटमेंट अलग और अदर देन सैलरी अलग, इसमें अब एक तो मर्ज कर दिया गया है, इसकी वजह से परेशानियां भी बहुत हो रही हैं। सबसे पहले तो आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते, रिवीजन का प्रोविजन इसमें इंक्लूड करना चाहिए, हर वो स्टेटमेंट जो टैक्स पेयर फाइल करता है उसको रिवीजन की प्रोविजन लॉ में इनहेरेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पिक एंड चूज कर सकते, अगर मुझे कोई एक चीज डिस्कवर होती है 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या 8 महीने बाद, मेरे पास ये मेरा राइट है कि मैं उसे वॉलंटरीली रिवाइज करूँ, ना ये जाएगी कि मुझे FBR नोटिस दे और फिर मैं कहूँ
कि भाई हमारे पास प्रोविजन ही नहीं है, तो इसको एक तरफ तो ये होना चाहिए। सिमिलरली आयरिस पे जो डेटा मौजूद है वो डाउनलोडेबल फॉर्म में टैक्स पेयर के पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब वो मॉनिटरिंग के नोटिसेस आते हैं तो वो उसी स्टेटमेंट को, जो सबमिटेड स्टेटमेंट है, उसी से समराइज करके वो डेटा को रिप्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा जो है, हम ये समझते हैं कि जैसे डेटा जो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है वो आईआरएस पे जो भी टैक्स कट रहा है वो सामने वाले के पास भी अवेलेबल होना चाहिए, जैसे हमने इनिशियली कहा। और ये वो चीजें हैं कि जो एग्जेम्पशंस की जहां पे आ जाती है तो एग्जेम्पशंस को भी इनकॉर्पोरेट करने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आईआरएस के इस स्टेटमेंट को बहुत देखने की जरूरत है और इसको रिवाइज करने की जरूरत है। सीपीआर की जैसे बात की, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। टैक्स पेयर्स को पता होगा कि उनका कितना टैक्स कट चुका है, जिन टैक्स पेयर्स का विदहेल्ड कर लिया होगा वो अपने विदहोल्डिंग एजेंट के पीछे पड़े रहेंगे कि भाई तुमने मेरा टैक्स काटा है, जमा नहीं कराया। तो इससे एफबीआर को भी फायदा होगा, टैक्स पेयर को भी फायदा होगा, और ऑल इन ऑल इट्स अ विन-विन सिचुएशन। तो इसको जो है फिल फॉर जो है चेक करना चाहिए और इसको चेंज भी करना चाहिए। सिमिलरली जो 175 में पावर टू जो आपको आपके बिजनेसेस पे छापा लगाया जाता था, जिसको शबर साहब ने रोक दिया था, हम ये समझते हैं कि उसको अब लॉ का पार्ट हो जाना चाहिए कि बगैर चेयरपर्सन या चेयरमैन एफबीआर के कोई भी रेड ना हो सके। और इसको ये डिमांड भी ट्रेड एसोसिएशंस की तरफ से भी है और ये हमारी भी। 122.5A सबसे ज्यादा मिस यूज होता है सेक्शन, जो के जितने भी 122 के प्रोविजन हैं, क्योंकि वो ऑफिसर एक नोटिस दे देता है कि आपका रिटर्न एरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। तो ये एरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू वो के साइमल्टेनियसली होने चाहिए, लेकिन कोई भी एक कंडीशन होती है तो अफसर नोटिस दे देता है, फिर उसको जो है अनएथिकल वे में ब्लैकमेल भी होते हैं लोग। और इस चीज को प्रॉपरली इस वक्त एफबीआर को देखना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस एरोनियस को डिफाइन हो जाना चाहिए, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को डिफाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने रिटर्न फाइल किया है तो मैंने अपने हिसाब से करेक्ट प्रोविजंस ऑफ लॉ को अप्लाई किया है, तो मेरी रिटर्न प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू जरूर हो सकती है, लेकिन एरोनियस को साबित करना जिम्मेदारी है रेवेन्यू की कि उसे साबित करे कि मेरी रिटर्न एरोनियस कैसे है। अगर वो साबित कर ले कि ये एरोनियस और एट द सेम टाइम प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तब तो ये बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज ये जितने भी नोटिसेस इश्यू होते हैं मेरे हिसाब से ये एब इनिशियो है। 205(1)(b) डिफॉल्ट सरचार्ज लग जाता है अगर हमारा 90% टैक्स पे ना हो। हम ये समझते हैं कि हार्श कंडीशन है, इसको 75% पे आ जाना चाहिए और ये लेके आएंगे तो इससे टैक्स पेयर को रिलीफ मिलेगा और अननेसेसरी पीनल प्रोविजंस इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मिनिमम कमीशन एजेंट्स को मिनिमम में ले गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये मिनिमम टैक्सेशन पे जिसको भी लेके गए हैं, चाहे वो FTR में इम्पोर्टर्स को लेके गए हैं या कमीशन एजेंट्स को लेके गए हैं, इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई भी मिनिमम टैक्स से ज्यादा, वैसे ही सब हायर टैक्सेशन रेट्स में है, तो या तो ये नॉर्मल टैक्सेशन होने चाहिए या ये FTR होने चाहिए। मिनिमम के कॉन्सेप्ट को FBR को सीरियसली रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनिमम टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट सिवाय इनकरेक्ट डिक्लेरेशंस के कोई भी चीज नहीं लेगा। या तो आप टैक्स पेयर को नॉर्मल टैक्सेशन में ले आए ताकि अगर उसका ज्यादा टैक्स कटा हुआ है तो वो प्रॉपर रिफंड क्लेम करे, और उस पर स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखें, वरना वो FTR वाला प्रोविजन जब तक आप टैक्स पेयर्स को इतना एजुकेट नहीं कर सकते करेंगे कि वो अपनी चीजों को सही तरीके से डिक्लेयर करें, ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। और लास्ट प्रोविजन पे आ गया हूं जी, टैक्स पेयर्स का जो एम्प्लॉयर PF पे जो कंट्रीब्यूशन पे हम टैक्स लगाते थे 1.5 लाख, इसको इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही एग्जेम्प्ट है। एक तो इसको अगर आप कंट्रीब्यूशन को 2.5 लाख, हमारी सजेशन है इसको इंक्रीज करें ताकि जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनको मच नीडेड ब्रेक मिले। ये कुछ चंद प्रपोजल्स हैं जो मैं समझ रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं, हमने लिस्ट डाउन कर दी है। इसके अलावा भी अगर हमारे जो कॉलीग्स हैं उनकी तरफ से कोई भी और सजेशंस होंगी हम उसे वेलकम करेंगे। मैं
पाकिस्तान टाइम्स बार का एक दफा फिर से मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आज मधु किया। मैं चाहता हूँ फर्दन फर्दन सबका नाम लूँ लेकिन ये मुमकिन नहीं, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान टाइम्स बार, पैट्रन पाकिस्तान टाइम्स बार, प्रेसिडेंट लाहौर टाइम्स बार और सारे मेरे वो कॉलीग्स जिन्होंने इस सेमिनार को, इस वेबिनार को बनाया, कंसीव किया और आज शुरू किया, मैं फर्दन फर्दन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई एम ओपन फॉर डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक मिनट लेना चाहता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच दिशान भाई, इट वॉज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। माशाल्लाह आपने वो जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में के उर्दू में बल्कि कुजे में दरिया बंद कर दिया, तो ये वाकई आपने बड़ी जो कॉम्प्रिहेंसिव आपने प्रेजेंटेशन दी है माशाल्लाह, और इसमें बिल्कुल हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान टैक्स बार आपके साथ है और इसको पूरी तरह से हम इसको फॉलोअप करेंगे। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बात की बेस की बात है तो वो उस पर हम चीखते रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं कि अगर प्रॉपर फॉलोअप हो, अगर प्रॉपर फॉलोअप हो डिपार्टमेंट का, तो मेरा ख्याल में कि वो बड़ी अच्छी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। हम देखते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है लेकिन कोई उस पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। अभी एक सेक्टर हम मतलब उस पर चीख चला रहे हैं दो साल से कि ऑनलाइन बिजनेस इस वक्त आप देखें, कोविड में भी, ये प्री कोविड भी इवन बहुत सा बिजनेस हुआ लेकिन अभी कोविड में जो ऑनलाइन बिजनेस की भरमार हो गई, लेकिन आप देखें कि वहां पे कोई टैक्सेशन का कोई मॉनिटरिंग ही नहीं। तो हम मतलब कौन कौन से ऐसे सेक्टर बताएंगे गवर्नमेंट को जहां से ये ब्रॉडनिंग हो सकती है, लेकिन अब आपकी सजेशन है इंशाल्लाह हम उसको पूरा फॉलो अप करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स वंडरफुल प्रेजेंटेशन, वेरी वेल डन माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ये फरहान ओवर टू यू। फरहान भाई मैं लाहौर टैक्स बार की जानिब से भी और आप दोनों की इजाजत से निशान मर्चेंट साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह वेरी वेल कंडक्टेड वेबिनार और तमाम जो नॉलेज शेयर की उन्होंने उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर टैक्स बार हमेशा आपकी ममनून रहेगी, बहुत मेहरबानी जी। बहुत शुक्रिया निशान मर्चेंट साहब आपका कराची से हमारे साथ डायरेक्ट टैक्सेस पे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, अपनी जो प्रपोजल्स थी उन्होंने शेयर की जो कि हमने एफवीआर को फॉरवर्ड कर चुके हैं। ये इस दौरान भी जो तमाम दोस्तों की अगर कोई सजेशंस हो वो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पे अपने कमेंट्स में ले सकते हैं, और अगर आप इसकी बेहतरीन क्वालिटी अवेल करना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम पे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे और वहां से अपने यूट्यूब को आप लिंक करें, लॉगिन करें, तो ये आपको इसकी क्वालिटी और ज्यादा बेहतर आपके पास होगी। और आइंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैं आफ्ताब नागरा साहब को भी अपने पैट्रन पाकिस्तान टैक्स पार जो हमारे साथ दोस्त बाकी भी शामिल हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये जूम और बाकी जो ऑनलाइन मीडिया का ये तमाम हमारे पास पेड वर्जन मौजूद है, और हम आइंदा भी ये वेबिनार जो है वो कंटिन्यू वो करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखे, इन हालात में हम जब तक मजबूर हैं उस वक्त तक हम दोस्तों से नहीं मिल सकते, तब तक हम इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन मैं बारहा दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ ने तमाम मसाइल अपनी तमाम प्रपोजल्स को सजेशंस को डिस्कस करें, हम इसको आगे लेके चलें। और सदर साहब ये प्रपोजल के इलम में भी मैं लाना चाह रहा हूँ कि जिशान साहब से मैंने कल रात को डिस्कस की कि जब आप गवर्नमेंट के साथ हर एसोसिएशन मीटिंग कर रही है तो आप एसोसिएशन के साथ इस वबा का, इस पेंडेमिक का पॉजिटिव मेजर्स में भी बेनिफिट लेना चाहें तो आप उन्हें कह सकते हैं कि तमाम लोग, तमाम बिजनेस कम्युनिटी अपने आप को रजिस्टर्ड तो करवा सकती है, अपने आप को फाइलर में ला सकती है, टैक्सेशन में बेनिफिट आप मांगते हैं, रिलीफ में आप मांगते हैं, गवर्नमेंट भी देने को तैयार है, हम प्रोफेशनल्स भी उनके साथ हैं कि उनके हालात इस वक्त मजबूर है, टाइट है, लेकिन वो भी इसी टाइम का फायदा उठाते हुए हम अपनी मार्केट्स को एसओपीस के तहत शेड्यूल कर सकते हैं, हम अपने पूरे मुल्क में एक मखसूस टाइमिंग कर सकते हैं। दुनिया के हर मुल्क में हम देखते हैं कि शाम को 6 बजे तक मार्केट्स हैं, 8 बजे तक आपके रेस्टोरेंट्स हैं, 10 बजे तक हैं, तो इसी के साथ साथ हम इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं ले सकते, हम तमाम चीजें ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते, हम अगर एफवीआर जाएं, एसईसीपी जाएं, पीआरए जाएं, एसआरबी जाएं, केपीके जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में हम एक्साइज के जाएं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के साथ क्यों नहीं जा सकते, हमें उन तमाम
कि अपने आप को आदत डालनी चाहिए। हम प्रोफेशनल्स के लिए ये और ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि हम तो वो तमाम दोस्त हैं, तमाम प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो ऑनलाइन सिस्टम का पहले से इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि हमारे लिए ये कोई नई चीज़ है। तो टैक्स पेयर भी अगर इसको अपने ऊपर लाजिम कर लेंगे और इसको ऑप्ट कर लेंगे तो ये हम सब की बेहतरी इसमें आएगी। तो हमने तो इन प्रपोजल्स को फर्दर ऐड किया। ब्रॉडनिंग की तो हम हमेशा बात करते हैं कि टैक्स पेयर है तो बल्कि कंसल्टेंट्स ही हैं ये तमाम प्रोफेशनल दोस्त जो FVR को आज तक ये 2.5 मिलियन और 3 मिलियन का जो टारगेट है वो अचीव करके दे रहे हैं फाइलर्स का। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली अगर सिर्फ FVR पे छोड़ दिया जाए शायद तमाम टैक्स पेयर्स जो हैं वो इससे दूर जरूर हो सकते हैं, नज़दीक शायद कम इसका फ़ायदा देते। तो मैं फिर एक मरतबा इसी को कंटिन्यू करते हुए मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपने सिर्फ एक हम शॉर्ट ब्रेक सिर्फ चंद सेकंड्स की होगी, उसके बाद मैं अपने जो स्पीकर हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं जाहिद अतीक चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं माशाल्लाह वेरी वेल रिनोन्ड इन टैक्सेशन लॉज स्पेशलाइज्ड इन सेल्स टैक्स आल्सो, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन में और मुझे मेरे ताहयात प्रेसिडेंट हैं क्योंकि मुझे इनके साथ बीइंग एज ए सेक्रेटरशिप में। तो आज हमें फिर वही टाइम याद आ गया जो 2012-13 में था कि हमने इकट्ठे कोशिश की और आज तक और आइंदा भी हम कोशिश करते रहेंगे कि दोस्तों को प्रोफेशनल्स को तमाम अपनी कम्युनिटी को फैकल्टी को फैसिलिटेट जितना कर सकें, आइंदा भी हमारी यही कोशिश जारी रहेगी। हमेशा के लिए पाकिस्तान टैक्स बार शुक्रिया। सो थैंक यू वेरी मच सर। आज हम वो अपने पैट्रन की कमी महसूस कर रहे हैं, वो आज किसी मसरूफियत की वजह से सिर्फ नहीं ज्वाइन कर सके। तो प्लीज आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हैंड इट ओवर टू मिस्टर जाहिद अतीक चौधरी फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट आफ्ताब नागरा साहब, ऑनरेबल प्रेसिडेंट लॉ टैक्स बार खुर्रम शहबाज भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब फरहान शहजाद साहब, आपकी सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, मेरे मोजिस अकाबरीन पाकिस्तान टैक्स बार नईम शाह साहब तशरीफ रखते हैं हमारे साथ और दीगर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, सबकी खिदमत में मेरा सलाम। मैं सबसे पहले सदर साहब आपका और आपकी कमेटी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने अपनी बजट कमेटी का हिस्सा बनाया और अल्लाह ताला ने अपने फजल से इस लॉकडाउन में भी और इस अनसर्टन और बड़े टफ टाइम में ये मेहरबानी फरमाई कि हमने जो है वो बजट प्रपोजल को कंपाइल किया और FVR तक जो है वो प्रोफेशनल्स के मसाइल और टैक्स पेयर के मसाइल को पहुँचाया, जो हमारी एक ट्रेडिशन भी है और हमारी एक जिम्मेदारी भी है। जिस तरह से हम बजट कमेटी में बात कर रहे थे और बजट प्रपोजल इनडायरेक्ट टैक्सेशन के हवाले से बात हो रही थी, तो
तो हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि कोई प्रपोजल्स के हद हाल इस तरह से बने कि ये एक रिलीफ बजट की सूरत निकलाए। अब कितना रिलीफ हो, गवर्नमेंट के पास कितनी फिस्कल स्पेस मौजूद है और उस फिस्कल स्पेस को किस तरह से यूज किया जाए कि उसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाए और जो पब्लिक है उसको इसका फायदा पहुंचा जाए। टैक्सेस कम करना मकसद नहीं, अगर टैक्सेस कम हो जाते हैं और वो कहीं इन बिटवीन रह जाते हैं तो एक्चुअली जो एंड कंज्यूमर या जनरल पब्लिक है उसे उसका फायदा नहीं मिलता। तो हमने ये कोशिश की कि कुछ ऐसी जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके एफबीआर को बताया जाए जहां रिलीफ देने से एक आम आदमी को फायदा होगा, एक आम आदमी की रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें और उन पे जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी स्ट्रेटजी और प्लान और ये प्रपोजल्स को तरतीब दिया। अच्छा, अगर मेरी गुफ्तगू के दौरान मुझे मेरी टेक्निकल टीम के जो एक्सपर्ट हैं कारी जुहैबुर रहमान साहब बता रहे हैं कि अगर किसी को मेरी तस्वीर कम आ रही है और स्लाइड कम आ रही है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, इस प्रोग्राम के बाद उनके चैनल पे एल चैनल पे ये पूरा मेरा जो स्पीच है या जिशान का जो पूरा स्पीच है ये पूरी प्रेजेंटेशन और जो स्लाइड्स आपको अवेलेबल होंगी। तो इस वक्त अगर कोई चीज़ आपको प्रपोज अमेंडमेंट्स में या उस चीज में नहीं भी नजर आती है, मेरा फेस नजर नहीं आता, तो आप बाद में भी हमें रिकॉर्डिंग की सूरत में यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि किस तरह से बिजनेसेस को और किस तरह से अवाम को इस सारी सूरत हाल में फायदा मिले, इस मकसद के लिए हमने मेहनत की और प्रपोजल्स बनाई। अब मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो इस दफा इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बजट प्रपोजल्स हैं वो ज्यादा उनका दारोमदार है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड। हम ये चाह रहे हैं कि जो है वो एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट बने जिसमें बिजनेसमैन अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। बिजनेसमैन सिर्फ टैक्स की शरह कम होने से अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, बल्कि अगर हम उसे कंप्लाइंसिस में कमी दें, कुछ ऑडिट में जो है वो थोड़े से सहूलत दें और एक ऐसी फैसिलिटी की इन्वायरमेंट दें जिसमें पेनल्टीज और जुर्माने और डिफॉल्ट चार्ज ना हो और जिसमें हरेसमेंट ना हो और जिसके अंदर एक्सेस टू बिजनेसेस अनयूजुअल ना हो, तो इसमें भी बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होती है। इकोनॉमी कब चलनी है, इसकी न्यू इन्वेस्टमेंट कैसे आनी है, चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, टैक्स के टारगेट क्या होंगे, टैक्स की बेस कैसे बढ़ेगी, ये सब चीज़ें इन पे तबसरा करना इन हालात में शायद इतना मौजू नहीं जितना ज़्यादा ये मौजू है कि हमारी मुईशत चले, हमारी इकॉनमी मूव करे ताकि रोजगार जनरेट हो और ताकि गवर्नमेंट को टैक्सेस मिले। और आप तो जानते हैं कि हमारे जो कल्चर है उसमें आपका 90% से ज्यादा का टैक्स जो है वो 300 कंपनीज देती हैं और रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है उनकी कंट्रीब्यूशन अराउंड 10% या इससे भी कम है, सिंगल डिजिट में है। तो हम ये चाह रहे हैं एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट जिसके अंदर बिजनेसमैन एक बिजनेस करने की आज़ादी महसूस कर सके और उसको ऐसा एक इन्वायरमेंट मिले जिसमें एक शॉर्ट टाइम के लिए वो अच्छे तरीके से अपनी बिजनेसेस करके रेवेन्यू जनरेट करे, एक इंडस्ट्री को थोड़ा सा फ्री हैंड छोड़ा जाए। और आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि पिछले बजट में एक एफबीआर ने बड़ा बोल्ड टारगेट दिया, आल्दो कि उसी वक्त भी एक्सपर्ट्स ने कहा अनरियलिस्टिक है और ये अचीव करना बहुत मुश्किल काम है, बहरहाल एक कोशिश की गई और उसे अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस कराई गई, एक प्लान दिया गया। उस प्लान को जो है वो उसके 2-3 हिस्से थे, आल्दो के पाकिस्तान टैक्स बार ने उस कंपेन में एफबीआर को पूरा सपोर्ट किया, कुछ चीज़ों में तो बिल्कुल एन ब्लॉक सपोर्ट की गई, कुछ चीज़ों में हम अपनी राय मुख्तलिफ रखते थे और एफबीआर को हम गाये बगाये उस पर अपने मशावरत देते रहे, चाहे वो CNIC की कंडीशन की बात हो, चाहे वो ट्रेडर स्कीम की बात हो, चाहे आप POS की बात कर लें या आप कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड टैक्सेशन की बात कर लें। हम ये समझते हैं कि FBR में बेशक जो पिछली रजीम ने काम किया अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ शबर जैदी साहब, बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जिसमें काबिल तारीफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी दोनों चीज़ों को
अलग करने का एक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराया गया, और ये दरीना मुतालबा भी था टैक्स बार्स का और प्रोफेशनल बॉडीज का कि एफबीआर की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन तक, जबकि पॉलिसी कभी डिफरेंट होना चाहिए। ऑल्दो इस पे भी अभी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से लेटर एंड स्प्रिट नहीं हुई, लेकिन बहरहाल एक सोच सामने आ चुकी है। मैं अपनी जो प्रपोजल्स हैं उसमें आपके सामने सबसे पहले, चूंकि मैंने आपको एक इजी इंडस्ट्री की बात की है, एक जो है ऐसे एनवायरनमेंट की बात की है जिसमें बिजनेसमैन फ्री और जो है बिल्कुल इजी होके बिजनेस करे, तो हम ये समझते हैं कि जो प्रपोजल्स पिछले साल आई थी या जो एक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आए उसमें जो कॉटेज इंडस्ट्री से ट्रीटमेंट किया गया उससे हम इतफाक नहीं करते। एफबीआर का कहना था कि मुल्क में ऑलमोस्ट कोई 4 लाख के करीब इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, और आपको मालूम होगा कि फिगर्स भी दिए गए कि 40,000 के करीब इंडस्ट्री सिर्फ रजिस्टर्ड है, जो कि 10% बनती है, और 90% जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके लिए कोशिश भी की गई कि जो पावर सप्लाई कंपनीज हैं डिस्कोस, उन्होंने नोटिसेज इशू किए कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो हम आपके कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये एक अच्छा इकदाम था, लेकिन इससे कोई हम हाथरहा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। तकरीबन अभी कारी हबीबुर रहमान जुबैरी साहब और मैं डिस्कस कर रहे थे कि एक साल गुजरने के बाद भी आप देखें तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो उसमें कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नजर नहीं आई। अगर आप सिर्फ इनकम टैक्स साइड पे मैन्युफैक्चरर्स जो अपना गोशवारा दाखिल करते हैं उनको फिल्टर करके साइड पे कर लें तो आपको फील होगा कि उनमें से चंद एक लोग रजिस्टर्ड हैं और बाकी रजिस्टर्ड नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो डाटा एफबीआर के पास खुद से मौजूद है इनकम टैक्स रिटर्न मैन्युफैक्चरर की सूरत में, वहां से आप इस दफा इंडस्ट्री के लिए उसमें से जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात नहीं कर रहा, इन दोनों को आप एक फिक्स टैक्स जो टर्नओवर बेस्ड है वो इंट्रोड्यूस करें इस कोविड की सिचुएशन में, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। अब बिजनेसेस ने चलना है तो हम ये चाह रहे हैं कि एक टर्नओवर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बेस्ड खास लिमिट तक, आप उसको 10 मिलियन भी कर सकते हैं, बिजली के बिलों को और गैस के बिलों को 1 मिलियन तक कर सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि 8 स्केबल के अंदर इसको एक रिड्यूस रेट के ऊपर, जो 5% भी हो सकता है या जितनी फिस्कल स्पेस है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ऐड करेगा। हम कॉटेज इंडस्ट्री और मीडियम और जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए हम तजवीज कर रहे हैं कि 8 शेड्यूल के अंदर आप एक रिड्यूस रेट की स्लैब लेके आइए, और आप बिजनेसमैन को रजिस्टर्ड करने की रिक्वायरमेंट जो डिस्कोस के जरिए है उसको ज्यादा फोर्स के साथ लेके आए, लेकिन सामने टैक्स जो है वो आप बहुत नॉमिनल स्टेज और बिल्कुल नॉमिनल रेट के साथ लेके आए ताकि ये बिजनेसिस के लिए और इंडस्ट्री के लिए काबिले कबूल हो। तो ये जो तजवीज है सबसे पहली ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि आप इसको 8 शेड्यूल में ले आए रिड्यूस रेट के साथ। इसी के साथ साथ जो है हमने जो दूसरी तजवीज दी है वो रिटेलर्स के लिए दी है। आपको पता होगा कि जब शनाख्ती कार्ड की CNIC की कंडीशन आई तो इसमें सेक्शन 8 में कहा गया आपको इनपुट नहीं मिलेगा, सेक्शन 73(4) में कहा गया इनपुट नहीं मिलेगा, और इसी तरह से जो है सेक्शन 7 में वो कदगन लगाई गई कि आप अगर CNIC के बगैर किसी भी शख्स को 50,000 से ज्यादा की सेल पे रिपोर्टिंग नहीं करते तो आपका इनपुट टैक्स एज ए पेनल्टी वो डिसअलाउ हो जाएगा। इसको ओवरकम करने के लिए बिजनेस और एसोसिएशन और जो भी चैम्बर्स और फेडरेशंस की डिमांड थी उस पे 99B और 99C के तहत स्कीमें भी पेश की गई, और जो है हम ये समझते हैं कि सेल्स टैक्स में रिटेलर बेस्ड स्कीम है जबकि इनकम टैक्स में आपने ट्रेडर्स बेस्ड जो है वो एक टैक्सेशन इंट्रोड्यूस की है। आल्दो के जो ट्रेडर की डेफिनेशन इनकम टैक्स में है वहां पे रिटेलर होलसेलर्स को लिया गया है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन है। हम ये चाह रहे हैं कि आप जो रिटेलर्स का सेक्शन 2 सबसेक्शन 43A है टीयर 1 वाला, उसमें ट्रेडर को भी इनकॉर्पोरेट करें और 2% रेट से करें ताकि ये एंड टू एंड ट्रांजेक्शन जो है सामने आए। तमाम वो लोग जो इनकम टैक्स साइड के ऊपर अपने आप को 100 मिलियन तक के स्लैब में लेके जाते हैं 0.5% टर्नओवर टैक्स के साथ, वो सेल्स टैक्स में अपने आप को टीयर 1 स्कीम के अंदर 2% टैक्स देकर विदाउट इनपुट एडजस्टमेंट सेल्स टैक्स में भी कवर कर लें। क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि एक शख्स
इनकम टैक्स साइड के ऊपर एज ए ट्रेडर आपको 100 मिलियन का जो है वो टर्नओवर दिखाने और सेल्स टैक्स की किताब और सेल्स टैक्स का लॉ किसी जगह उसे सिक्स शेड्यूल में एग्जम्पशन ना दे और उससे आने वाले सालों में पूछा ना जाए। कानून की जिम्मेदारी बनती है, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जब गोशवारा आए ट्रेडर का तो फिर उससे पूछें कि आपने टैक्सेबल बिजनेस किया और आप सेल टैक्स नहीं देते। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इसको टीयर टू में जो है वो लोग एग्जम्पशन क्लेम कर लेंगे, तो टीयर टू की आप जानते हैं रिक्वायरमेंट है, वहां पे बिल्स की रिक्वायरमेंट है 600,000 से कम होने चाहिए, शॉप की रिक्वायरमेंट है कि 1000 स्क्वायर फीट से कम होनी चाहिए। बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जहां एरिया इससे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम ये समझते हैं ये एम्बिगुइटी हटनी चाहिए और बिल्कुल जो है वो वाजिया तौर पे ट्रेडर्स जो 99B में आ रहे हैं उनको सेल्स टैक्स का भी एक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हर शख्स को अपनी एंड लाइबिलिटी का पता हो, फ्यूचर के अंदर सेल टैक्स के नोटिसेस और ऑडिट और इन चीजों को और ना देखा जाए, फिर इसमें लिटिगेशन इन्वॉल्व ना हो कि पहले लायबल टू रजिस्टर्ड था, इसको रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करके नोटिस इशू करें, या रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी तो टैक्स नहीं दिया जा सकता। और इस तरह की लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका है कि ये रिटेलर्स जो कॉन्सेप्ट है सेल टैक्स में, इसमें उन ट्रेडर्स को भी शामिल कर लिया जाए जो 99B में आते हैं। इसके साथ एक अगली तजवीज जो प्रपोजल रखी गई है वो टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर है। ये लास्ट ईयर भी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने गुजारिश की थी, ये जो एक टाइम ऑफ सप्लाई का इशू है कि वक्त क्या होगा, क्या फिजिकल जो है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो टाइम ऑफ सप्लाई ठीक रहेगा, एडवांसेस टाइम ऑफ सप्लाई ठीक रहेंगे, या सेल टैक्स इनवाइस की इशुएंस डेट कंसिडर की जाएगी। अब इसमें इशूज आते जा रहे हैं और इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, बस केसेस में एडवांस के बाद एडवांस वापस भी हो जाते हैं और रिटर्न के अंदर आपका जो और उसमें कट ऑफ डेट आ जाती है 30 जून की, तो बैलेंस शीट के अंदर एडवांसेस नजर आते हैं। एफबीआर के स्टाफ के पास जो सेल्स टैक्स को डील करते हैं एक इजी विंडो है कि बैलेंस शीट से एडवांसेस का फिगर पकड़ के उस पर टैक्स लग जाता है, और अगर वो एजिंग करके एक्सप्लेन भी कर दिया जाए तो डिफॉल्ट सरचार्ज और जुर्माने जरूर लग जाते हैं। हम ये समझते हैं कि इसको जो है चूंकि बिजनेसमैन ने एडवांस के बाद बाइंग करनी होती है और उसके उस एडवांस की बाइंग के अंदर इनपुट इन्वॉल्व होने होते हैं, अगर वो अपने एडवांस का आउटपुट टैक्स पूरा आपको दे दे और उस एडवांस में से 17% रकम आपको इन एडवांस पे कर दे एफबीआर को, तो फिर वो जो उसकी परचेजेस के इनपुट है वो कहां एडजस्ट होंगे। तो इस चीज को हम ये समझते हैं कि ये जो एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है इसकी बजाय जो फिजिकल डिलीवरी है और इसी तरह से हायर परचेज के अंदर जो है इसके बड़े इश्यूज आ रहे हैं, और जो हमारे रिटर्न का जो निज़ाम है गोशवारे का उसमें भी डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट्स कुछ इतने मुसर नहीं है और उसके ऊपर बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं बिजनेसमैन को दूसरी सप्लाईज के अगेंस्ट ये वाले टैक्सेस को एडजस्ट करने की। तो हम इसमें ये दरख्वास्त रख रहे हैं कि जो टाइम ऑफ सप्लाईज के डिस्प्यूट हैं इनको पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक लॉ में अमेंड करके जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स है और सेल टैक्स इनवाइस का इश्यूएंस है इसके ऊपर कर लिया जाए। अगली प्रपोजल, चूंकि पहले मैं बात कर चुका हूँ कि इस बजट में हम समझते हैं कि पब्लिक को रिलीफ मिले, बिजनेसिस को रिलीफ मिले, अगर आप FBR का डेटाबेस देखें तो FBR कहती है एडजस्टमेंट इनपुट का देने के बाद अफेक्टिव कलेक्शन जो है वो तकरीबन 4-5% के करीब होती है। ऑल्दो कि सप्लाई जो है उस पर रेट 17% है, लेकिन इनपुट एडजस्टमेंट्स के बाद जो FBR के खजाने में रकम जमा होती है, अगर आप उसको 1500 अरब रुपए इस साल के लिए समझ लें इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये 5% के करीब अफेक्टिव रेट बनता है। हम ये चाह रहे हैं बिजनेसिस को रिलीफ देने के लिए, उनके पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, तमाम ऐसी मसनूआत जो डोमेस्टिकली नहीं बनती उनको इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर कंज्यूमर गुड्स को एक 5% का रेट इंट्रोड्यूस किया जाए, और जो स्टैंडर्ड रेट है उसको भी अपनी फिस्कल स्पेस के मुताबिक कम किया जाए। अगर हम अपना इन्फ्लेशन का देख लें रेट और मार्कअप के रेट्स कम देख लें और दीगर कॉस्ट ऑफ जो हमारी बिजनेस है उसको देखते हुए अगर गवर्नमेंट इस वक्त 15% के करीब सेल टैक्स का रेट ले आए तो खास इससे गवर्नमेंट को जो है वो
जो है वो बोझ नहीं होगा, और जो डिस्काउंट रेट मार्कअप वगैरह के कम हुए हैं उनमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना कम हो गया है कि ये रेवेन्यू अगर 2% से आप 300 बिलियन के करीब का रिलीफ दे पाएं तो आप इजीली उस तरफ से कवर कर सकेंगे और गवर्नमेंट के बजट पे कोई खास इसका असर नहीं आएगा। और ये जो 5% वाली हम बात कर रहे हैं इससे भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ हम 8th शेड्यूल में इसको इनपुट एडजस्टमेंट के बगैर लिस्ट आइटम देना चाहते हैं कि वो आइटमें जो डोमेस्टिकली नहीं बनती या वो आइटमें डोमेस्टिकली बनने वाली जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उनके रॉ मटेरियल्स भी और फिनिश गुड के ऊपर 5% सेल्स टैक्स रख लिया जाए ताकि अगर रॉ मटेरियल्स के रेट ज्यादा भी हैं तो गवर्नमेंट पे रिफंड्स का प्रेशर ना आए। इसी तरह से जो अगली प्रपोजल हमारे सामने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्दर टैक्स से रिलेटेड है। मैं अपने आज के इस प्रोग्राम के तवसल से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फर्दर टैक्स जो है बुनियादी तौर पे इसके लाने का मकसद था अनरजिस्टर्ड सेक्टर को आइडेंटिफाई करना। ऐसे बायर्स जो एक पोटेंशियल बिजनेस करते हैं और उस पोटेंशियल बिजनेस के बावजूद वो FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते तो यहाँ से हमें डाटा मिल जाए। काफी साल गुजरने के बाद हमने इस डाटे को बिल्कुल यूज नहीं किया और अब ये प्रोविजन ऑफ लॉ सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स बन चुकी है। आप देखिए कि एक पर अगर 1500 अरब रुपए जैसा मैंने आपसे अर्ज किया हमारा सेल टैक्स का करंट ईयर का अगर आप समझ लें कलेक्शन होता है तो 1% में हमें 80 अरब रुपए के करीब इकट्ठे होते हैं। और जबकि आप अगर इस फर्दर टैक्स को देखें इसका 3% नेट रेट है और इसमें शायद जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो 30 अरब से भी कम है। तो आप मतलब अब 648 SRO में ऑलमोस्ट आपके मोर देन 95% मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर्स जो हैं वो एंड कंज्यूमर और रिटेल की विंडो को यूज करते हुए फर्दर टैक्स पे नहीं कर रहे। तो फर्दर टैक्स डिस्क्रिमिनेशन का सबब बन चुका है। इस पे कोई खास गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस भी FBR का नहीं है और 648 की विंडो से इजीली लोग इससे एक्सक्लूजन कर लेते हैं और उसके बाद इसकी डिटेक्शन और फर्दर टैक्स में जो रिकवरी है वो भी अगर आप पिछले साल के फिगर्स FBR से ले लें तो शायद पिछले 2 साल में 30 अरब से कम इकट्ठे हुए हैं और अगर कोई इन्फोर्समेंट के जरिए किए गए हैं तो वो भी बहुत कम नंबर है। हम तजवीज़ ये कर रहे हैं कि फर्दर टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए और अगर फर्दर टैक्स खत्म नहीं किया जाता तो कम से कम इसका रेट 1% कर दिया जाए। 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि ये जो इसका मिसयूज और मिस डिक्लेरेशन है, मैसिव मिस डिक्लेरेशन है, ये खत्म होनी चाहिए और इसको जो है स्टैंडर्ड जो है वो 1% तक रख के सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के लिए कि वो टैक्स पेयर्स जो लायबल टू रजिस्टर्ड हैं लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं की उनका डाटा लेके रजिस्टर्ड किया जाए। डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, डेटा माइनिंग के लिए इसको यूज किया जाए ना कि इसको सोर्स ऑफ रेवेन्यू के तौर पे लिया जाए। इसके बाद एक बहुत अहम जो हमारे कंसल्टेंट्स और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हमारे जो प्रोफेशनल्स की तरफ से बजट कमेटी को जो प्रपोजल रिसीव होती है मिलती है वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिकग्निशन है सेल टैक्स एक्ट में। ऑल्दो कि सेल टैक्स एक्ट के 6th स्केल में एक 52B एंट्री है जो सरकारी अस्पतालों और इन को एग्जम्पशन देती है सरकारी अस्पतालों को जो वफाक के जरिए इंतजाम या जो सूबों के जरिए इंतजाम चलते हैं 50 से ज्यादा बेड वाले, लेकिन NPO और NGO को कहीं रिकग्नाइज नहीं किया जाता। इसमें हम तजवीज दे रहे हैं कि वो तमाम अदारे जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 की अप्रूवल रखते हैं कमिश्नर इनकम टैक्स से उनको 5th शेड्यूल में शामिल किया जाए, क्योंकि एग्जम्पशन 6th शेड्यूल में डालने से कोई डायरेक्ट फायदा नहीं मिलता। एग्जम्पशन में जो भी सप्लायर वेंडर है उसको सेल टैक्स तो ये अदारे पे नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि उसका सेल टैक्स इनएडमिसिबल हो जाना है बींग एग्जम्प्ट सप्लाइज तो वो अपनी कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं और उसी तरह से इन अदारों पर फिर टैक्स का बोझ बिला वास्ता आ जाता है। हम ये समझते हैं कि इसको 5th शेड्यूल के अंदर लाया जाए ताकि जो भी सप्लायर और वेंडर है वो अपने इनपुट को दूसरी सेल टैक्स लाइबिलिटीज के अगेंस्ट इजीली एडजस्ट कर सके और इन अदारों को सस्ती चीजें मिल सके। अच्छा, अब यहाँ जो 6th शेड्यूल में इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं वो वफाक के जरिए तमाम या सूबों के जरिए तमाम हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी कमिश्नर साहबान के यहाँ कोई एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू करने का रुझान नहीं। हम समझते हैं मुसर निज़ाम इनकम टैक्स की तरह सेल्स टैक्स में होना चाहिए और इसकी तजवीज़ पेश कर रहे हैं
एक कमिश्नर को एम्पावर किया जाए कि वो ऐसे तमाम अदारे जब वो अपनी खरीदारी कर रहे हों उनको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट दे, ताकि ये जो डोनेशंस का, चैरिटी का, और ये पैसा जो है वो टैक्सेस की मद में वेस्ट ना हो, बल्कि सस्ती चीजें मिलके जो डिजर्विंग लोग हैं उनके ऊपर ये पैसा इन लेटर एंड सेपरेट इस्तेमाल हो। इसके साथ अगली तजवीज जो है वो सेक्शन 7 की इनपुट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 7 जो है वो 6 महीने तक इनपुट एडजस्टमेंट इजाजत देता है। अगर किसी बिजनेसमैन के ये इनपुट्स रह जाते हैं तो फिर उसका इनपुट टैक्स लैप्स हो जाता है और उसे फिर FBR से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है या सेक्शन 66 के रिफंड की तरफ जाना पड़ता है। सेक्शन वो तमाम हजरात जो इस वक्त सेल टैक्स प्रैक्टिस में है वो समझते हैं कि सेक्शन 66 का रिफंड अब मौजूदा हालात में ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि रिफंड चलते हैं सेल टैक्स रिटर्न से और सेल टैक्स रिटर्न से जो वो RCPS का निज़ाम है वो सेल टैक्स रिटर्न से सारा डाटा उठाता है और वहाँ से रिफंड बनता है और रिफंड क्लेम लॉज होता है एक FBR के पोर्टल पे। और ये जो 66 है उसके लिए कोई मौसम निज़ाम नहीं है। एक तो हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो लिमिटेशन का पीरियड है इसको बढ़ाया जाए क्लेम करने का, इसको 6 महीने से 1 साल कर दिया जाए, और इसके साथ ही साथ जो एडजस्टमेंट नहीं कोई टैक्स पेयर किसी वजह से अपनी ले पाया उसको 66 के अंदर अपने पैसे रिफंड लेने की या एडजस्टमेंट नोट की सूरत में डिवाइस देने का कोई मौसम निज़ाम मुतारफ कराया जाए। और ये सेल टैक्स रिटर्न बेस्ड रिफंड के अलावा एक विंडो होनी चाहिए जो इजी साइल तरीके से कमिश्नर को एम्पावर करे, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइस, वो टैक्स पेयर की सवाबदीद के मुताबिक उसे रिफंड इशू करे या उसका जो है वो कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट का एक एडवाइस इशू करे जिसे वो नेक्स्ट रिटर्न में यूज कर सके। तो इस पे एक तजवीज पेश कर रहे हैं इनपुट एडजस्टमेंट के हवाले से। इसके बाद जो है वो टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, जिस जैसे कि हमने कहा ये बजट जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है और इसमें हम बिजनेसेस को जो है वो फ्रेंडली स्पेस देना चाह रहे हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाह रहे हैं और लोगों को इनकरेज करना चाह रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट और न्यू इंडस्ट्री की तरफ। तो इसमें हम ये समझते हैं कि सेक्शन 8 खत्म होना चाहिए। इनपुट टैक्स वैट के प्रिंसिपल्स के तहत जिसने भी पे किया है उसको क्लेम करने का राइट है बिजनेस यूज के लिए। अगर आप इंडस्ट्री को इनकरेज करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे जो परचेजेस हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, बिल्डिंग मटेरियल्स की, बिजनेस यूज वाले व्हीकल की, और इसी तरह से अगर आप सेक्शन 8 देखें तो उसके अंदर एक लंबी नेगेटिव लिस्ट है। हम ये समझते हैं कि किसी भी अदारे का इनपुट टैक्स जो है वो सर्विसेज का हो या गुड्स का हो उसको होल्ड करना, रोकना नामुनासिब है। ये बिजनेस के बुनियादी असूलों के, फ्रीडम के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, और ये अनजस्ट इनरिचमेंट है। और इसके ऊपर कोर्ट्स के फैसले भी बिजनेसमैन को फेवर करने वाले आ चुके हैं। तो मुसर तब्दीली की जरूरत है और तजवीज पेश की जा रही है सेक्शन 8 का हुजम या तो इसे खत्म किया जाए या नेगेटिव लिस्ट का हुजम कम करके बिजनेसमैन को एक ट्रस्ट की और एक जो है वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट का पैगाम दिया जाए। इसी तरह से सेक्शन 8B के हवाले से तजवीज है कि इसको 8B को कम करके बिजनेसमैन के ऊपर जो पेमेंट का एक बोझ है कम किया जाए, 8B को खत्म कर दिया जाए। चूंकि 8B का आप सब प्रैक्टिशनर हजरात समझते हैं जरूरत उस वक्त था जब इनपुट और आउटपुट की रेशियो में एक गैप था और ज्यादातर जो सर्विसेज हैं वो उस पर टैक्सेशन नहीं थी और बहुत से इनपुट्स पे टैक्सेशन, बहुत सी जो है वो गुड्स पे टैक्सेशन नहीं थी। अब तो आप देखें चाहे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, रॉ मटेरियल्स है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर है, टॉल मैन्युफैक्चरिंग है, किसी भी तरह की आपके बिजनेस के गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो सब के सब जो है वो अब टैक्सेशन में आ गए हैं, चाहे वो फेडरल टैक्सेशन है चाहे वो प्रोविंशियल टैक्सेशन है। तो अब इनपुट्स का हुजम बहुत बढ़ चुका है, तो अब FBR को जो है इसको दोबारा देखने की जरूरत है कि 8B के अंदर जो है वो इसको रिव्यू किया जाए। लोगों के मैसिव कैरी फॉरवर्ड्स भरे हुए हैं, ह्यूज एडवांसेस जो हैं वो लोगों के रुके हुए हैं और फिर इसका ये एडवांस पेमेंट है,
एट द एंड ऑफ द ईयर फिर आपने इसको अगर आपकी एडजस्टमेंट आपके बिजनेस मार्जिन 10% से कम है, और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के नहीं, ये सब रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी इसकी जद में आ जाते हैं, या जिनको 647 में एक्सक्लूजन नहीं है, होलसेलर्स हैं या जो और आपके इम्पोर्टर हजरात हैं वो आ जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये इसको खत्म होना चाहिए मौजूदा हालात में, ताकि बिजनेसमैन इस पे अपना कैपिटल इसमें इंजेक्ट ना करे और इसमें उसका स्टक ना हो लिक्विडिटी कैश फ्लो, और अगर साल के बाद रिफंड का निजाम है तो फिर जो 10% से कम वैल्यू एड वाले हैं उनको जल्दी रिफंड का प्रोसेस किया जाए। आल्दो हमने देखा कि रिसेंट पास में FBR ने बहुत से रिफंड्स इशू करने का दावा किया, लेकिन वो एक्सपोर्ट तक रिलेटेड है और वो जीरो रेटेड सेक्टर से रिलेटेड है, और हम समझते हैं वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, और हम ये समझते हैं कि जीरो रेटेड की जो रजीम है वो एक्सपोर्ट सेक्टर में वक्त के साथ साथ दोबारा लाने की, चाहे एक्सपोर्ट में हो या लोकल पे हो, आपको दोबारा देखने की जरूरत पेश आ जाएगी। लेकिन मौजूदा हालात में अगर 8B की पेमेंट 10% की जाए, इसको तजवीज़ है 5% कर दिया जाए, ज़ीरो कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो ट्रेडर्स और जो अदर देन मैनुफैक्चर उनके लिए ज़ीरो कर दिया जाए और मैनुफैक्चर के लिए 5% कर दिया जाए। इसी तरह से डेबिट क्रेडिट के अंदर आप जो है बैड डेट्स की प्रोविजन नहीं है, हम जब सप्लाईज करते हैं तो गुड फेथ में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं टैक्स पेयर, और टैक्स पेयर जब गुड फेथ में टैक्स पे कर देता है और उसे एक अरसे के बाद पता चलता है कि मेरी पेमेंट्स बैड डेट हो गई है और नहीं मिली, तो उसको अपनी एडजस्टमेंट करने के लिए लॉ में कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। हम समझते हैं कि आसान और मुसर बैड डेट्स को रिकग्नाइज करके उसे एडजस्टमेंट अलाउ करने का निज़ाम दिया जाए। इसी तरह से जो कमर्शियल इम्पोर्टर्स हैं उनको जो है वो रिफंड्स नहीं देने, ये हमारे जो है वो 12th शेड्यूल में लिख दिया गया है कि इम्पोर्टर जो है इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी रिफंड, लेकिन आप देखिए कि इम्पोर्टर बाजूकात रेट में चेंज आ जाती है, वो जिन रेट्स में इम्पोर्ट करता है वो ज्यादा है, जो सप्लाई देता है वो रिड्यूस रेट आ जाते हैं, फिर लोकल DTRE के सप्लायर आ जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इम्पोर्टर वहाँ लॉ में थोड़ी मौसर तब्दीली की जरूरत है, और जो अदर देन वैट है उसके रिफंड की वहाँ एडजस्टमेंट देने की जरूरत है, और इसकी प्रोविजन को असर नो जायजा लेने की तजवीज पेश की जा रही है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड FBR काबले तारीफ है, अच्छा निज़ाम आ चुका है बारों की रिक्वेस्ट पे, प्रोफेशनल बॉडीज की रिक्वेस्ट पे, और जल्दी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जो अच्छा काम है उसकी हम सबको तारीफ करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक इशू ये आता है कि एक NTN पे सिर्फ एक ही सेल्स टैक्स बिजनेस रिकग्नाइज होता है, और बाजूकात एक इदारा एक से ज्यादा बिजनेसेस कर रहा है, तो अब एक उसकी सेल टैक्स रिटर्न पे एक बिजनेस अपीयर होता है, आदो के वो अपने मुख्तलिफ बिजनेसेस को अक्यूमुलेट करके डिक्लेरेशन देने की पोजीशन में है, लेकिन उसके जो बायर है उन्हें नजर नहीं आ रहा कि ये वाला बिजनेस तो इसके प्रोफाइल में है मगर रिटर्न पे नहीं है। हमारी तजवीज ये आसान है कि इसके अंदर जो नेक्सस सी है, नेक्सस सी को एक से ज्यादा शीट एंटर करने का बिजनेस वाइज एक अपॉर्चुनिटी लिंक दे दिया जाए, कि अगर एक अदारे के 2-3 बिजनेसेस हैं, वो पेपर की बिजनेस में इन्वॉल्व है, केमिकल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो कोई पेपर वेस्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो डिफरेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो अपने नेक्सस सी डिफरेंट फाइल कर सके ताकि उसका बायर सेटिस्फाई हो, और उस नेक्सस सी पे उसके बिजनेस मैनुअली एंटर करने की भी इजाजत हो, ताकि डेक्लरेशन जो है मल्टीपल बिजनेस का ऑन द फेस ऑफ द रिटर्न नजर आए, और क्रस्ट की डिस्क्रिपेंसी भी ना बने और बायर की भी सेटिस्फेक्शन दे, ये वक्त की जरूरत है। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि जो रिकॉर्ड के लिए 6 साल का वक्त है ये बहुत ज्यादा है, तो तजवीज ये दी जा रही है कि जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को रिकॉर्ड रिटेन करने की लिमिट है इसको 3 साल किया जाए, क्योंकि 3 साल तक रिकॉर्ड रखना भी एक बड़ी अदारों के लिए मुश्किल काम है। तो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट में ट्रस्ट का रिलेशन है, और आगे चल के हम ऑडिट भी बात करेंगे, और जब ऑडिट करना है तो ऑडिट पॉलिसी 1 साल के डिफरेंस से आ रही है, तो 3 साल में आप टैक्स पेयर को ऑडिट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हम गुजारिश करना चाहते हैं FBR से कि जो डाटा इन्होंने 1 साल में इकट्ठा कर लिया है CNIC की बुनियाद पे, उसको ब्रॉडनिंग के लिए यूज होना चाहिए, और इसको ब्रॉडनिंग का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के तौर पे कंसीडर किया जाना चाहिए। FBR के नीचे एक अलग विंग जिम्मेदारी उठाए ताकि उसकी प्रोग्रेस
जो रेलिवेंट यूनिट्स हैं या जो रेलिवेंट कमिश्नर्स हैं उनकी प्रायोरिटी टारगेट्स ऑडिट और दूसरी चीजें होती हैं, तो ब्रॉडनिंग पे इफेक्टिव काम नहीं हो रहा। तो एफबीआर की ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट विंग फॉर द पर्पसेस ऑफ ब्रॉडनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा माइनिंग होना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को बढ़ा सकें जो लोग लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैं और जिनको टैक्स अदा करना चाहिए और टैक्स अदा नहीं कर रहे। इसी तरह ऑडिट की जो है उसमें हम तजवीज दे रहे हैं कि ऑडिट की मल्टीपल प्रोविजंस हैं, ऑडिट पॉलिसी एफबीआर खुद सिलेक्ट कर लेती है, कुछ लोग वहां से बच जाते हैं तो कमिश्नर साहब सिलेक्ट कर लेते हैं, कमिश्नर साहब ऑडिट करके चले जाएं, दूसरे कमिश्नर साहब आ जाएं, साल का कुछ वक्त बच रहा हो, रेवेन्यू पूरा ना हो तो 38 एक्सरसाइज कर लिया जाता है। और इसी तरह से एक्सपोर्टर्स की शिकायत है कि जो रूल्स में पोस्ट रिफंड ऑडिट होता है उसका जो स्कोप है वो बहुत कम है, उसमें रख के पूरा ऑडिट कर दिया जाता है। तो हमारी ये गुजारिश है कि एफबीआर का जो सेंट्रली ऑडिट सिस्टम है उसी को इफेक्टिव बनाया जाए और रिस्क बेस्ड जो है वो ऑडिट किया जाना चाहिए, जिसके अंदर जो है डिस्क्रिशन जो है वो कमिश्नर की कम से कम यूज हो, और अगर किसी जगह यूज होनी चाहिए तो डिस्क्रिशन भी स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि उनको को रिजेंट कम्युनिकेट रिजेंट ऑर्डर पास करनी चाहिए या कोई रीजंस कम्युनिकेट करनी चाहिए प्रटेनिंग टू रिस्क एरिया, और उन बुनियाद पे ऑडिट होने चाहिए। इसी तरह से सेक्शन 37 के अंदर हमने एक तजवीज़ दी है कि जो कोर्ट्स की जजमेंट्स आ गई हैं मंजरिया के हवाले से, और इस तरह से जो एडजुडिकेशन प्रायर टू प्रोसिक्यूशन या अरेस्ट, तो पहले जो है वो रिजेंट ऑर्डर एडजुडिकेशन के होने चाहिए और उसके बाद जो है मेंजरी एस्टैब्लिश करने के बाद ये प्रोविजन ऑफ लॉ आए और एक मुसर और सादा जो है इसके तरीकाकार बयान किया जाए। सेक्शन 11 से रिलेटेड तजवीज दी जा रही है कि सेक्शन 11 एक एफबीआर की गले की हड्डी बन चुका है, अब कमिश्नर साहबान पावर एक्सरसाइज करें या डेलीगेट करें तो बड़ा लॉस ऑफ रेवेन्यू डेलीगेशन से भी हो गया, और कमिश्नर साहब जहाँ पावर एक्सरसाइज करते हैं तो कमिश्नर अपील की जुरिस्डिक्शन के इश्यूज आ जाते हैं। दो एक का ट्रिब्यूनल का फैसला उस पर आया जिसे जो है वो लीगल एक्सपर्ट्स जो है कानून के मुताबिक नहीं समझते और उस पर अपनी राय मुख्तलिफ रखते हैं और इख्तलाफ रखते हैं, और अगर कमिश्नर का ऑर्डर है तो कमिश्नर अपील के सामने वो अपीलेबल नहीं है, फिर आप ट्रिब्यूनल में जाएं तो आपका राइट ऑफ अपील एक फॉरम खत्म हो जाता है। हम समझते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर करनी है तो उसके लिए स्ट्रक्चर बना के अब बजट के अंदर अगर पिछले केसेस जाते भी हैं तो एटलीस्ट यहाँ से इसको ठीक करके चीजों को आगे चलाया जाए। एक डीरजिस्ट्रेशन का निजाम बड़ा वीक है एफबीआर का, जिस तरह से 214E में एक इजी लेजिस्लेशन करके सारे ऑडिट केसेस खत्म किए गए हैं, हम ये समझते हैं जितने पेंडिंग डीरजिस्ट्रेशन केसेस हैं उसमें फोर्स शुदगान के केसेस हैं, डिफॉल्टर्स के केसेस हैं, वो लोग जो सर्विसेज में चले गए हैं पहले एफबीआर के पास थे 2012 से 18 अमेंडमेंट के बाद वो केसेस ब्लैक लिस्टिंग में और इधर पड़े हुए हैं, तो हम समझते हैं कि 214E के तरह का या भी एक रजिस्ट्रेशन के लिए आसान स्कीम ला के तमाम पेंडिंग केसेस को सेटल किया जाए ताकि एफबीआर से बोझ कम हो और जो नए केसेस हैं उनके लिए सादा और मौसम निजाम लाया जाए, ताकि रजिस्ट्रेशन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन ईजी हो गई है रजिस्ट्रेशन भी सादा और ईजी हो जाए। सेक्शन 45, 48 और रूल 71 में जो है वो हार्मोनाइजेशन नहीं, आपका 71 रूल रिकवरी को डील करता है, वो कहता है कि जिस दिन से डेट ऑफ असेसमेंट से 30 डेज के बाद रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। सेक्शन 48 रिकवरी को डील करता है, वहां पे कोई टाइम नहीं प्रोवाइड किया गया, और हम ये समझते हैं कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट जो सेक्शन 56 की सर्विस है उस डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर से 30 डेज के बाद रिकवरी प्रोसीडिंग 71 के तहत स्टार्ट होनी चाहिए, तो रूल 71 की लैंग्वेज को तब्दील करने की तजवीज पेश की जा रही है। इसी तरह से जो है सेक्शन 73, चूंकि उस वक्त में ऑटोमेशन और रियल टाइम सेल्स टैक्स का निजाम नहीं था, तो ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए 73 की बड़ी हार्श कंप्लाइंस थी, अब वक्त की जरूरत कम हो चुकी है, और इसमें हम समझते हैं कुछ बायर और सप्लायर आपस में इंटर ट्रांजैक्शन भी करते हैं, बहुत से वेंडर जो हैं वो उन्हीं मिलों से माल वापस खरीदते भी हैं, तो बुक एंट्री एडजस्टमेंट जो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पेमेंट की बजाय बुक एंट्री की प्रोविजन क्रिएट करने की भी तजवीज है, 180 दिन से लेट पेमेंट पर भी जुर्माना जो है वो कम करने की तजवीज है। कॉन्डोनेशन का एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के ऊपर तजवीज पेश की जा रही है, मौजूदा निजाम में दो तरह से कॉन्डोनेशन होती है,
जो तो रिटर्न से या जो रूल्स जो रिटर्न से या कंप्लाइंस से रिलेटेड है वो तो सो मोटो एफबीआर कर देती है। अगर टैक्स पेयर के कोई इंडिविजुअल है, रिवाइज रिटर्न है, कोई 66 के क्लेम है, सेक्शन 7 के क्लेम है, तो इस सिलसिले में कमिश्नर साहब से रब्ता करना पड़ता है। एक साल तक तो कमिश्नर की पावर्स है, उसके बाद केस एफबीआर के पास जाता है और एक नंबर ऑफ केसेस एफबीआर के पास इस जिमन में पेंडिंग है। तजवीज किया जा रहा है कि 74 की कंडोनेशन कमिश्नर या चीफ कमिश्नर तक डेलीगेट कर दी जाए ताकि ये फील्ड के लेवल पे काम हो जाए और एफबीआर की अनड्यू इन्वॉल्वमेंट इस काम में अननेसेसरी है, इसलिए इसको तब्दील करने की तजवीज पेश की जा रही है। रिफंड्स एफबीआर ने काफी पे किए हैं लेकिन फिक्स एसेट्स के रिफंड और सेक्शन 8B के रिफंड अब भी पेंडिंग है और ये खासा सिग्निफिकेंट नंबर है। और जो टैक्स गुजार के मौजूदा हालात में एफबीआर के पास पैसे हैं, हम ये समझते हैं कि उनको जल्द से जल्द वापस मिलना चाहिए। अगर एफबीआर चाहे तो जो सब्सिक्वेंट पेमेंट्स हैं उसके लिए कोई एडजस्टमेंट एडवाइस इशू कर दे, वो भी बिजनेसमैन के लिए वायबल हैं कि वो अगर कैश लिक्विडिटी की बजाय इसको सब्सिक्वेंट पेमेंटों में एडजस्ट कर लें, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन उन क्लेम्स को टैक्स पेयर की रिटर्न में क्रेडिट के तौर पर दे दिया जाए जो मंथली पेमेंट्स में सेट ऑफ हो जाए, तो इस तरह एफ बी आर का भी जो है वो फंड नहीं यूज होंगे और टैक्स पेयर की भी जो लिक्विडिटी कैश फ्लो पसी हुई है आसान हो जाएगी। ग्रुप टैक्सेशन की दरखास्त की जा रही है, तजवीज पेश की जा रही है कि जो ग्रुप टैक्सेशन है एक ग्रुप कंपनी की लाइबिलिटी दूसरी ग्रुप कंपनी के रिफंड या कैरी फॉरवर्ड या उनके प्रीपेड से एडजस्ट करने की इजाजत देने की तजवीज पेश की जा रही है। जैसे पहले अर्ज किया गया कि सेक्शन 1125 से रिलेटेड जो है वो तजवीज है कि अगर कोई लोकल प्रोडक्ट्स हैं तो आर जीरो रेटेड की रिप्लेसमेंट विदाउट इनपुट एडजस्टमेंट 1-5% के बिटवीन रख दी जाए ताकि जो है ये जो बिजनेसेस हैं और ये कंज्यूमर गुड्स हैं इस पे एंड कंज्यूमर को जनरल पब्लिक को रिलीफ मिल सके। एक तजवीज दी जा रही है सॉरी इनपुट आउटपुट जो IOCO है ये एक रजिस्ट्रेशन करके कोटा लॉट कर रहे हैं इंपोर्टर्स को जो कि विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स क्लियर होता है। सेल टैक्स के रिटर्न में इसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं, इसकी मैसिव मिसयूज की कंप्लेंट्स आ रही हैं प्रोफेशनल बॉडीज की तरफ से भी और कंसल्टेंट्स की तरफ से भी, तो इसमें तजवीज किया जा रहा है कि IOCO की रजिस्ट्रेशन कस्टम डिपार्टमेंट करने के बाद इसकी इम्पोर्ट जो है वो सेल टैक्स रिटर्न से रेगुलेट हो और सेल टैक्स के रिटर्न में इसका एक नेक्चर होना चाहिए जिसमें इसकी फेस ऑफ द रिटर्न से इम्पोर्ट उसकी कंजम्पशन और इसकी इन्वेंट्रीज नजर आए ताकि सेल टैक्स डिपार्टमेंट इसको फिजिकली जब चाहे चेक कर सकता है। IOCO का कोटा बगैर सेल टैक्स के आउट ऑफ सेल टैक्स बुक इस वक्त चल रहा है जिससे मैसिव सेल टैक्स की लिखी जाए। वन ट्रांजिट के मिसयूज होने की जो है स्मगलिंग की उसके लिए मुसर कार्रवाइयां करने की तजवीज पेश की जा रही है और इसके साथ साथ तजवीज ये की जा रही है जो एपिक्स कोर्ट के फैसले आए हैं उनकी रोशनी में जो नेक्स्ट एफ से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं उनको रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करने के लिए लॉ में जो रेलिवेंट पावर्स प्रोवाइड की जाए। हार्मोनाइजेशन की प्रपोजल्स हैं और इसके साथ साथ जो है बहुत ही मुख्तसर हम तजवीज कर रहे हैं कि लोकल बाइंग के ऊपर अगर DTRE का मौसम निज़ाम दोबारा रिव्यू कर लिया जाए तो काफ़ी सारे रिफंड्स गवर्नमेंट को बाद में वापस करने और बिजनेसमैन का पैसा 120 डेज के लिए भी रोकने की जरूरत नहीं रहेगी। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आप सब हजरात का बड़ा शुक्र गुजार हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग और मैं वंस अगेन कारी जुहेब जुबैरी साहब का और इनकी सारी टीम का टेक्निकल असिस्टेंस के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इस वबा में हम सबको हमारे घर वालों को मुतल्लकीन को महफूज रखे और फिर जिंदगी में मौका फराहम करे कि हम एक दूसरे से फिजिकली मिलें और अपने जज्बात और एहसास एक दूसरे तक पहुँचाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।
Once again, thank you very much, Mr. Zahid Atiq Chaudhary sir, आपके indirect taxation के हवाले से proposals का और इस पूरी team के साथ इनका आविष्कार का जिशान मर्चेंट साहब का उन्होंने direct taxes पे अपने गुजार हमारे साथ आफ्ताब नागरा सर प्रेसिडेंट साथ मौजूद है वो कुछ इसमें मजीद गुजारिशात करना चाहते हैं. Thank you very much, Farhan. मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाह रहा था Zahid Atiq साहब का, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमेशा की तरह, ये पहली बार पहली दफा नहीं है, हमेशा की तरह उन्होंने बड़ी आसान लफ्जों में और बड़े ही आसान तरीके से और बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए. तो इंशाल्लाह हम इस पे कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें जो है इनकॉर्पोरेट हों. 8B के बारे में तो हम सारा साल हो गया, हमें शिकायत भी सुनते, लोगों की प्रॉब्लम्स भी सुनते, तो ये बहरहाल बाकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको एलिमिनेट होना चाहिए. रजिस्ट्रेशन वाला इशू जो है, ये कारी साहब आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि कितनी ज्यादा मैसिव कैंपेन्स हुई हैं हमारी तरफ से. हम चाहते हैं कि लोग रजिस्टर्ड हों, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा डिपार्टमेंट इसमें शायद मुखलिस नहीं है. तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से ये अच्छी कैंपेन हो, अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट करें, तो बिल्कुल लोग रजिस्टर्ड होंगे और बड़ी आसानी से हो सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच Zahid Atiq साहब, एक दफा आपका बहुत शुक्रिया. हम हमेशा की तरह आपके ममनून हैं और आपने बड़ी मेहनत से और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बनाई. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया. मैं एक और हमारे सीनियर दोस्त जमील अख्तर बेग साहब एडवोकेट हैं. बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ हमारे एक सीनियर दोस्त जमील अख्तर बेग साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं. उन्होंने भी इन तमाम जो गुजारिशात और ये प्रीप बजट सेमिनार और प्रपोजल्स के हवाले से अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दिया, बट आज वो किसी मजबूरी की वजह से हमें साथ ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा याद रखी जाएगी. इवन के इन हालात में जबकि लाहौर टैक्स बार में ये तमाम इश्यूज और हर जगह पे जब भी ज़रूरत हुई तो उन्होंने तमाम मेंबरान को अपनी सर्विसेज और अपने प्रेजेंटेशंस और अपने इल्म से हमेशा मुस्तफीद किया और आइंदा भी कोशिश होगी कि जमील अख्तर बेग साहब वो तमाम दोस्तों के साथ इसी तरह प्रोफेशनली आगे लेके चलते रहे. वो हमारे यहाँ लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन में प्रेजिडेंट के कैंडिडेट भी हैं, तो इससे पहले भी और इसके बाद भी सिर्फ हमारे दोस्तों में और हमारी टीम में यही एक अच्छा जो ट्रेंड रहा पास्ट में, माजी में भी, रहिंदा आने वाले सालों में भी, कि हमने हमेशा एक प्रोफेशनल दोस्त को इनकरेज किया, प्रेफर किया और आइंदा भी इंशाल्लाह हम उसी रवायत को बरकरार रखते हुए उनको और उनकी टीम के लिए दुआगो हैं कि ये हालात बेहतर हों. तो इंशाल्लाह वो जैसे खुर्रम शहबाज भट्ट साहब पास्ट में और अभी तक अपनी टीम के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसको आगे लेके चल रहे हैं, इसी तरह प्रोफेशनली वो और उनकी टीम भी आगे हम तमाम दोस्तों के साथ इसको लेके चले. मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि इस दौरान हमारे पास जो प्रपोजल पहुंच चुकी हैं हम उनको अपनी फर्दर जो है जो इसमें एडेंडम होगा उसमें ऐड करेंगे और वो भी हम इंशाल्लाह FPR को फॉरवर्ड करेंगे. तो नेक्स्ट जो भी हमारा जो फाइनेंस बिल के हवाले से, पोस्ट बजट के हवाले से, वो हम लाहौर टैक्स बार और कराची टैक्स बार उनके साथ हम जॉइंटली इसका नेक्स्ट जो प्लान होगा वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे. इसके अलावा भी मैं तमाम बार्स को ये ओपन फोरम देना चाहता हूँ और हर उस सीनियर को, हर उस दोस्त को जो यहाँ पे अपने किसी भी टॉपिक पे अपने ख्याल का इजहार करना चाहता है, इस फोरम पे वो अपने दोस्तों को किसी भी हवाले से फैसिलिटेट करना चाहता है, वो उसकी प्रेजेंटेशन चाहे NTN बनाने से हो, चाहे वो उसने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाले से हो, तो हर स्टेज पे उसको इनकरेज किया जाएगा. किसी का IPO से ताल्लुक है, किसी का SCCP कॉर्पोरेट में एक्सपर्टीज है, किसी की सेल्स टैक्स में है, किसी की कस्टम में है, तो हम तमाम टैक्सेशन लॉज को, फिस्कल लॉज को एज वेल एज सिविल एंड क्रिमिनल लॉज हम उनको अपने साथ शामिल करने को तैयार हैं. इसमें कोई झिझक नहीं है और कोई लिमिटेशन नहीं है. हर वो दोस्त जो हमारे साथ इस फॉरम पर ज्वाइन करना चाहे वो हमें राबता कर सकता है. उसके लिए मेरा नंबर और ईमेल आप दोस्तों के पास मौजूद है, प्रेसिडेंट का भी मौजूद है, कारी साहब हमारे साथ बैठे हैं, इन दोस्तों के तमाम के कॉन्टैक्ट्स आपके सामने अवेलेबल होंगे. तो मैं आज के इस तमाम वेबिनार को अरेंज करने में एक मरतबा फिर
हमारे पैट्रन पाकिस्तान टैक्स पर मिस्टर अब्दुल कादर मेमन, हमारे जो सीनियर मेंबर हैं नईम शाह साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची से, लाहौर से, उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया, फैसिलिटेट किया। कारी जोहिबुररहमान जुबैरी, उन्होंने भी हमें फैसिलिटेट किया। तो मैं उस शुक्रिया के लिए फर्दर कारी हबीबुररहमान जुबैरी साहब, हमारे सीनियर नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। और आज हमारे साथ कुछ दोस्त यहाँ लाहौर से नहीं ज्वाइन कर सके इसी वजह से कि इस वबा की वजह से, उनमें शहबाज कादर साहब, हमारे शहबाज सदीक साहब, सुहेल अहमद साहब, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो यहाँ मौजूद ना भी होते हुए हमें हमेशा असिस्ट करते रहे। प्लीज कारी हबीबुररहमान जुबैरी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही नबील करीम। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब अपने सदर का आफ्ताब हुसैन नागरा साहब का, कि उन्होंने और उनके जनरल सेक्रेटरी हमारे फरहान शहजाद साहब ने और खुर्रम शहबाज भट साहब ने एक अच्छे वेबिनार का अरेंज करवाया। मैं आज के लिए बहुत हमारे लिए इज्जत और इफ्तिखार की बात है कि ना सिर्फ हम ये वेबिनार इतने पुरसकून अंदाज में कंडक्ट कर पाए हैं, बल्कि जो चीज़ें हम पहुँचाना चाहते थे आगे वो पहुँचा भी पाए हैं। मैं आज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पैटर्न इन चीफ अब्दुल कादर अहमद साहब का, अपने प्रेसिडेंट आफ्ताब हुसैन नागरा साहब का, पाकिस्तान टैक्स बार के सदर का, खुर्रम शहबाज भट साहब का, लाहौर टैक्स बार के सदर का, सैयद मोहम्मद नईम शाह साहब का, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार, और हमारे मोहसिन शहबाज भट साहब का, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार का, राना मुनीर हुसैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार का, यूनस रिजवानी साहब का, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार हैं, सैयद नवीद इंद्रावी साहब का, जुल्फकार खान साहब का, मुनव्वर हुसैन शेख साहब का, मोहसिन नदीम साहब का, आल आर दी फार्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द डे जनाब रिस्पेक्टेड जाहिद लतीफ चौधरी साहब का, जो ना सिर्फ प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, बल्कि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और सेल टैक्स के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है इनका। मैं मोहम्मद ईशान मर्चेंट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कितना अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे लिए इतना टाइम दिया और हमें इस तरह ज्वाइन किया रखा और इतनी मेहनत से प्रेजेंटेशन पेश की। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद ईशान मर्चेंट साहब। मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स अब्दुल सत्तार साहब, इकबाल अहमद अब्दान साहब, मंजूर अहमद साहब, मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब, मोहम्मद आजम साहब, राना मोहम्मद अकरम खान साहब, सैयद रेहान हुसैन जाफरी साहब, मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं अरशद नवाज मान साहब, आसिफ इकबाल शेखानी साहब, गुलाम अहमद अंसारी साहब, खुर्शीद अनवर खान साहब, मोहम्मद नज़ीर चुगताई साहब, मियां मोहम्मद रफीक अख्तर साहब, मियां साकिब शेख साहब, मोहम्मद इकबाल मलक साहब, रहमत अली शेख साहब, सुहेल अख्तर साहब, सैयद तंसीर बुखारी साहब, शाहिद महमूद मिनहा साहब, शेख मोहम्मद अजमल साहब, जहाद अली मलक साहब, और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार फरहान शहजाद साहब। इसमें मैं एक थोड़ी सी बात आप लोगों से शेयर करूंगा कि फरहान शहजाद साहब ना सिर्फ हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी बार के लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, बल्कि कैंडिडेट हैं पंजाब बार काउंसिल के मेंबर के लिए, और ये लाहौर सीट से मेंबर के लिए कैंडिडेट हैं, जिसमें जो वोटिंग राइट होगा वो लाहौर का, कसूर का और शेखपुरा और उसके लगा इजला का होगा। मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि जहां फरहान आप लोगों में ये कोशिश करते रहते हैं, आप लोग दुआ गो भी हों और जो आप लोग इसकी में पार्टिसिपेशन कर सकते हो वो पार्टिसिपेशन भी करें इसके कमिंग इलेक्शन में जो दिसंबर में नियर अबाउट होने जा रहा है, कि अल्लाह ताला इसे कामयाबी अता फरमाए। इसी तरह आशिक अली राना साहब का वाइस प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार का, राना साकिब मुनीर साहब का जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार का, आज उनकी कोई अजीजा बीमार हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ने शिफाए कामला अजला अता फरमाए। तनवीर हाफिज साहब जॉइंट सेक्रेटरी साहब का, नोमान ताज साहब का फाइनेंस सेक्रेटरी, और अपने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी
शहबाज सदीक साहब का, जो बहुत काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और हमेशा मोहब्बत में साथ रहते हैं हमेशा, और हम इकट्ठे पहले भी काम कर चुके हैं, और अपने खजाने के इंचार्ज सैयद एजाज अहमद साहब का, इसी तरह हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको जो स्पेशल असिस्टेंट्स रखे उन्होंने उनके हैं, शकील खान साहब, शहबाज कादिर साहब, शहबाज कादिर साहब का तो मुझ पे भी, हम सब पे दोस्तों पे बड़ा साथ है हमारा, बड़ी मोहब्बत है उनकी और आज के वेबिनार में उनका बड़ा शिरकत है, और फैज हसन गिलानी साहब और अनवर जावरी साहब। इसके अलावा एक आम नाम है जो फरहान अली, सैयद फरहान अली साहब, जिन्होंने इसमें हमारे वेबिनार में करने में, फरहान ने, सैयद सैयद फरहान जो नीम शाह साहब के साथ जाते हैं, उन्होंने बहुत अपना उनका कंट्रीब्यूशन रहता है और टेल मीडिया के साथ उनका बड़ा ताल्लुक है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आज मैं आप लोगों का इस तरह शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोगों की वजह है और आप लोगों की वजह से कि हमने पहला सेमिनार वेबिनार किया, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना कामयाब गया, पीछे से हजारों लोगों ने देखा, कमों पे 1600 आदमी आज भी आपके साथ वेबिनार में जुड़े हुए हैं, और उस दिन भी 2000 के करीब थे और बाद में 1600 से ज्यादा लोगों ने उसको वाच किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है आफताब हुसैन नागरा साहब और उनकी पूरी टीम की, कि अल्लाह तबारक तआला से हम जो पहले सेमिनार करते थे उसको देखने के लिए, सुनने के लिए मैक्सिमम जो बंदे होते थे वो हंड्रेड्स में होते थे, आज थाउजेंड्स में हैं। आफताब हुसैन नागरा साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए बहुत मुबारकबाद है। और मैं ये आपको जो आज हमने प्री बजट सेमिनार किया है, ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी लोग सुन रहे हैं। कुछ हमारे ऑफिसर्स एफबीआर के मुल्क से बाहर थे तो उन्होंने भी हमसे कहा है कि हम, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, वो उन्होंने कहा कि हम भी आपका ये वेबिनार देख रहे हैं, और सीनियर ऑफिसर्स हमारे जो हमारे रह के गए हैं यहाँ, वो ख्वाजा अदनान रहिए जैसे साहब भी, वो भी मुसलसल हमारे इस वेबिनार में हमारे साथ शरीक हैं। हम ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और नौरीन यकूब साहिबा का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ अभी तक ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने मुसलसल। हम आज ये कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें आज के वेबिनार के जरिए हमने आप तक पहुँचाई और हमारी पाकिस्तान अखबार ने अपनी सबमिशन दी हैं, मुझे उम्मीद है कि एफ बी आर और हुकूमत पाकिस्तान नासिर इनको देखेगी और आइंदा आने वाले दिनों में इन पर अमल भी करेगी और अपने बजट में इन प्रपोजल्स को जो पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार ने मुश्तरका तौर पर दिए हैं, इनको इंशाल्लाह समय इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से अमल करेगी। ये क्या वजह है कि हमारे मुल्क में अगर 1,17,000 कंपनियां एससीपी में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 24,000 कंपनियां सिर्फ एफबीआर के पास टैक्स गुजार हैं और उन 24,000 कंपनियां ही सारा टैक्स दे रही हैं। ये क्या वजह है कि हमारे ट्रेडर जो हैं वो 2.65% अपना रोल अदा करते हैं टैक्स अदा करने में। ये क्या वजह है हमारे होलसेलर्स 4.35% टैक्स रोल अदा करते हैं और बाकी सारा बोझ या तो कॉर्पोरेट सेक्टर अदा करता है या मैन्युफैक्चरर सेक्टर अदा करता है। तो खुदारा इस पर सोचें कि क्या हमारा टैक्स का निज़ाम ऐसा है कि जिससे हम ये जुल्म कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को हम 43% टैक्स लगा रहे हैं कि उसको कंपनी पे भी टैक्स देता है, फिर उसके अलावा अपने वर्कर वेलफेयर फंड भी देता है, और फिर डिविडेंड जब डिविडेंड लेते हैं तो डिविडेंड पे भी टैक्स देता है। तो ये इसको हमें सोचना होगा कि पूरी इस वक्त रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा हाई टैक्स रेट कॉर्पोरेट का पाकिस्तान में है, और मैं समझता हूँ तुर्की की मिसाल हमारे सामने है। तो हमें चाहिए कि जितना तुर्की में 20% अपना रेट किया है कॉर्पोरेट पे, हम लोग भी इस तरफ तवज्जो दें, जो हमारे अभी ऑनरेबल स्पीकर ने कहा भी है, और जिस तरह जो इंडिविजुअल्स हैं और एओपीज हैं, आप सोचें तो वो कितना का रोल, कितने से पैसे दे उनके पास से आ रहे हैं। क्या वजह है सिर्फ कि हम उन लोगों से टैक्स ले नहीं पा रहे, हमारी सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास तमाम डाटा मौजूद है एफबीआर के पास, लेकिन इन्फोर्समेंट एंड कलेक्शन पे कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ जो टैक्स दे रहे हैं उनके साथ टैक्स हो रहा है। एमनेस्टी स्कीम हम देते हैं हमेशा, हमें चाहिए हम एमनेस्टी स्कीम इस दफा भी दें, लेकिन वो एमनेस्टी स्कीम ये हो कि 10% टैक्स को कर दें, 10% टैक्स की शराह करें इंडिविजुअल्स के लिए और एओपी के लिए, और तमाम लोगों से कहें कि जिन लोगों ने आज तक रिटर्न फाइल नहीं की वो आज रिटर्न फाइल करें और 10% टैक्स अपना जमा कराए। उस पर ना कोई गारंटी हो, ना कोई एडिशनल टैक्स हो, ना कोई अदर टैक्स हो। मैं समझता हूँ कि खाली हम इंडिविजुअल से 5 खरब रुपया टैक्स ले सकते हैं, 5 खरब रुपया जितने बड़ी हमारी ये बाजार, हमारे ये जो मार्केट्स हैं इनसे अगर हम इन्हें सही तरह प्रमोट करें। तो मैं एक दफ़ा दोबारा अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें आसानी अता फरमाए,
और इस वबा में जो हम लोग घिरे हुए हैं, अल्लाह तबारक ताला हमें इससे निजात अता फरमाए, हमारे सब सीनियर्स को हमारे साथियों पे कायम दायम रखे, हमारे सारे जो एसोसिएट्स हैं और हमारे साथी हैं, अल्लाह ताला इनको इनके खानदान वालों को इस वबा से महफूज रखे। मैं दोबारा से आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे आज के स्पीकर मोहम्मद जशान बर्जन साहब, हमारे प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार खुरम शहबाज भट्ट साहब, जाहिद अतीक चौधरी साहब स्पीकर ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, मोहम्मद नईम शाह साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, जमील अख्तर बेग साहब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, और तमाम जो हमारे लिसनर्स और जो पार्टिसिपेंट्स थे वो हमारे साथ मौजूद थे, हम इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और आइंदा भी ये एफर्ट्स आपको पाकिस्तान टैक्स बार के और टेल मीडिया के फोरम से आपको जारी नजर आएंगी, लेकिन उसमें हमेशा मेरी यही दरख्वास्त है कि आप दोस्तों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है, आपकी तरफ से इनपुट आना जरूरी है, आपकी कंप्लेंट्स आपकी सजेशंस ही हमें आगे हौसला देती हैं और हम आगे उसको किसी फोरम पे टेकअप कर सकते हैं। आप तमाम की हिफाजत के साथ, आपकी तमाम की जिंदगी सेहत और अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम रहिए, इस दुआ के साथ आज हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों।